Okay, good afternoon. So yesterday we started with the chapter known as clubbing, and we covered two topics. One is that the income from minor will be added in parents' total income, and revocable transfers. That if the transfer, the clause in transfer is revocable, then the transferor will have to pay the tax. And one exception was if it is for lifetime. If the clause is for the lifetime, it is not a revocable transfer. Then after death, the transferor will start paying tax. Throughout the life, the transferee himself or herself will pay the tax. Today we will start from remuneration to spouse. Suppose Mrs. X, wife of Mr. X, Mrs. X, she is earning remuneration. She is earning remuneration from company A, B Limited. Now what is happening if she is earning from A, B Limited and her husband, Mr. X, he is having substantial interest in this company. Now, here the meaning of substantial interest is 20%. Substantial interest in AB Limited. So, what now if any remuneration is received by Mrs. X and her husband is having substantial interest in this company, that means what? That means there might be a provision कि वो जो हस्बैंड है वो अपना इनकम किसी तरीके से डाइवर्ट कर रहा है इनटू हिज वाइफ्स अकाउंट बिकॉज उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% होल्डिंग अगर आप रहेगा किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग अगर 20% आपके पास है इसका मतलब यू आर अ बेनिफिशियल ओनर आपका उस कंपनी में चलता है इट इज नॉट दैट कि व्हाटएवर यू विल से उससे उस कंपनी में फर्क नहीं पड़ेगा यू आर होल्डिंग 20% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ दैट कंपनी इसका मतलब आपके पास एक अच्छा स्टेक है उस कंपनी का तो उसमें होल्ड करने के लिए आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मे बी यू आर अर्निंग सम रेम्युनरेशन और उस रेम्युनरेशन को आप डायरेक्टली अपना बुक्स में नहीं दिखाते हो सकता आप अपना वाइफ का बुक्स में दिखाते यू आर टेकिंग दैट रेम्युनरेशन तो ऐसा अगर कोई अरेंजमेंट हो रखा है तो उस केस में व्हेन द स्पाउस इज अर्निंग रेम्युनरेशन फ्रॉम अ कंपनी और अदर स्पाउस उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तब वो क्या होगा इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में लेकिन सपोज एबी लिमिटेड में जो मिसेस एक्स है Mrs. X को AB Limited में जॉब मिला है ड्यू टू हर ओन स्किल्स या फिर अपना कुछ प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी प्रोफेशनल क्या बोलते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर उसको कुछ मिला है और वो अपना ओन टैलेंट या अपना ओन स्किल की वजह से उस कंपनी में उसको जॉब मिला है तब अगर कोई रेम्युनरेशन उसको मिलता है तो वो क्लबिंग उसका क्लब नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स बट अगर अपना पर्सनल कोई स्किल या प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं मिला है इट इज जस्ट बिकॉज ऐसे ही उसको रेम्युनरेशन मिलता है तो इट माइट बी ट्रीटेड कि उसको रेम्युनरेशन क्यों मिल रहा है बिकॉज उसका जो स्पाउस है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन दैट कंपनी में इसीलिए वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स In this example, Mr. X. So total income of individual shall include income arising directly or indirectly to the spouse. Spouse को क्या मिल रहा है? Salary, commission, fees or any other remuneration which may be in cash or kind. ठीक है, ये ही चार चीज होना चाहिए. Salary, commission, fees or any other remuneration. ये चार चीज के अलावा अगर कोई और चीज होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा उस पे क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा सिर्फ ये चार चीज अगर स्पाउस को मिलता है तो ही क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा व्हाट आर द थिंग्स सैलरी कमीशन फीस और एनी अदर रेम्युनरेशन
from a concern in which such individual has substantial interest. मतलब इस इंडिविजुअल का क्या था? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था. मिस्टर एक्स का एबी लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसके वजह से उसके स्पाउस को कोई सैलरी, कमीशन, फीस या रेम्यूनरेशन, ये चार चीज मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ उसका स्पाउस. और इसके अलावा सैलरी, कमीशन, फीस, रेम्यूनरेशन के अलावा अगर और कुछ भी मिलता है उसकी वाइफ को या उसका हस्बैंड को, एनी वन इट कैन बी, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्लबिंग का प्रोविजंस में एप्लीकेबल नहीं होगा. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. कब माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? कंपनी में उसका 20% होल्डिंग है इन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स में वो 20% अपना उसका खुद का होल्ड है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. सपोज अगर एक दिन के लिए भी है तो भी वो माना जाएगा कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. इट इज एट एनी टाइम, मतलब एक दिन के लिए भी अगर किसी के पास 20% ऑफ दी होल्डिंग है तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा. Such shares may be held by SSC or partly by SSC and partly by one or more of his relatives. What is happening? Suppose spouse. यहाँ पे husband है, ठीक है, तो उसका remuneration किसको मिल रहा है? Wife को मिल रहा है, AB Limited से मिल रहा है. अब यहाँ पे क्या बोलता है? Husband का कितना holding होना चाहिए? 20%. Now it is wholly or partly. Suppose husband 20% अकेले hold करता है, तो भी clubbing applicable है. Clubbing will be applicable. Suppose husband के हाथ में only 13% holding है, husband's brother. हस्बैंड्स ब्रदर के पास 7% होल्डिंग है. दोनों को मिला के कितना परसेंट है होल्डिंग? 20%. मतलब ये दोनों का मिला के कितना होल्डिंग है इस एबी लिमिटेड में? 20%. मतलब तभी भी माना जाएगा हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे वो होल्डली 20% होल्ड करे या पार्टली होल्डली 20% होल्ड करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये माना जाएगा कि ये क्या है, इट इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटिव. ही इज एंटाइटल्ड ड्यूरिंग सी वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स. अब रिलेटिव का डेफिनेशन में कौन कौन आता है? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट. Now, आप जब गिफ्ट वाला पढ़े थे प्रोविजन, वहां पे रिलेटिव का डेफिनेशन अलग था. क्लबिंग में यहाँ रिलेटिव का डेफिनेशन अलग है. यहाँ पे रिलेटिव में सिर्फ स्पाउस, अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ अगर है तो हस्बैंड, स्पाउस आएगा, ब्रदर, सिस्टर और लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मतलब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, सिर्फ ये लोग ही आता है. वहां पे जैसे ब्रदर सिस्टर उसका भी स्पाउस था, वाइफ का ब्रदर सिस्टर उसका भी स्पाउस था, ऐसा नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे रिलेटिव का डेफिनेशन इज सिंपल, ब्रदर सिस्टर एंड लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट, सिर्फ ये चार लोग एप्लीकेबल है और स्पाउस तो है, स्पाउस प्लस दिस फोर. तो ये होल्डिंग अगर कैसे भी है, हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटिव्स मिला के भी अगर 20% है तो भी माना जाएगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. Okay, the exception. Exception में क्या लिखा हुआ है? Exception में वही लिखा हुआ है जो I said, income generated through technical or professional qualification. अगर spouse का, जैसे इस example में Mrs. X का, कहाँ से income आ रहा है? Through her professional qualification or technical qualification. उसका कोई personal skill है, जिस skill के वजह से वो she is earning from AB Limited, या उसका कोई professional qualification है, तब उसको क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. तब वो टैक्स अपने हाथ से खुद इन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्सेशन होगा. इट वोंट बी क्लब्ड विद हर हस्बैंड्स इनकम.
अपना लेकिन अगर विदाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई टेक्निकल स्किल के बिना अगर वो उसको कोई रेमुनरेशन मिलता है तब इट विल बी टैक्सेबल इन हस्बैंड्स या स्पाउस का बुक्स में टैक्सेबल होगा. नाउ सी यहाँ पे कुछ कुछ केसेस हैं वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न. नाउ सपोज ए लिमिटेड में, ये जो एग्जाम्पल था ए बी लिमिटेड में, ए बी लिमिटेड में वाइफ का भी 20% होल्डिंग है, हस्बैंड का भी 20% होल्डिंग है. वाइफ ऑल्सो होल्ड्स 20%, हस्बैंड ऑल्सो होल्ड्स 20%, दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ को रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ये किसके हाथ में क्लब होगा? ऐसा हम कल भी बोले थे, व्हेन अ चाइल्ड, माइनर चाइल्ड के हाथ में इनकम है और बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जो द वन हु इज हैविंग मोर इनकम. इफ द जो भी पेरेंट का ज्यादा इनकम होगा, अगर फादर का ज्यादा इनकम है तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स क्लबिंग होगा, या मदर का है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लबिंग होगा. इन द सेम वे अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तब क्या होगा? जिसका इनकम ज्यादा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्सेबल होगा जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है. हियर आल्सो यू हैव टू कम, लेकिन इस कौन सा इनकम अदर देन दिस रेम्यूनरेशन? जैसे वाइफ का 20% होल्डिंग, हस्बैंड का भी 20% होल्डिंग. अब सपोज वाइफ फ्रॉम अदर सोर्सेस, इस रेम्यूनरेशन के अलावा वाइफ का इनकम सपोज है 5 लाख रुपीज और हस्बैंड का इनकम है 6 लाख रुपीज, तो ये जो भी रेम्यूनरेशन वाइफ को मिलता है वो क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइस वर्सा. सपोज वाइफ का 6 लाख होता, हस्बैंड का 5 लाख होता, तो क्लबिंग का प्रोविजन वाइफ का इनकम के साथ एप्लीकेबल हो जाता, नॉट विद हस्बैंड. जिसका भी इनकम ज्यादा होगा क्लबिंग हमेशा उसी के हाथ में होगा. The remuneration from such concern will be included in total income of husband or wife whose total income excluding such remuneration is higher. That's why I said is remuneration ke alawa wife ka income hai 5 lakh. You don't have to consider this remuneration. Is remuneration ko chhod ke jiska income zyada hai uske haath mein taxable hoga as clubbing. Where such income is once included, ab total income वंस जिसके हाथ में आप इंक्लूड कर देंगे, देन इन थ्रू आउट वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा. सी व्हेन वंस यू आर इंक्लूडिंग इन टोटल इनकम ऑफ आइदर ऑफ दिस स्पाउस, देन सच इनकम अराइजिंग इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर्स, उसके बाद कहीं भी कोई भी साल में हमेशा आपको उसी के हाथ में टैक्सेबल करना पड़ेगा जिसके हाथ में आप फर्स्ट टाइम टैक्सेबल कर देते हैं. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इफ योर असेसिंग ऑफिसर इज सैटिस्फाइड कि ठीक है हम क्लबिंग में चेंज करना चाहते हैं, पहले वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होता था अब हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल है, एंड इफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज रेडी, उनको ईयरिंग का चांस देना पड़ेगा कि ओके वी आर रेडी विद दिस चेंज, हम लोग अपना इनकम चेंज करना चाहते थे, इतना साल से वाइफ के हाथ में टैक्सेबल, बट सपोज फॉर सम रीजंस आपको टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड. और अगर एओ इज सैटिस्फाइड, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है उसको अगर इसमें कोई गलती नहीं देखता है, तब वो अपना ये प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं. असेसिंग ऑफिसर अगर सैटिस्फाइड है कि यस इट इज नेसेसरी टू डू, तब आप ये चेंज कर सकते हैं. एल्स वंस जिसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा हमेशा उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा. When both husband and wife are not having any other income, now what happened? यहाँ पे क्या बोलते हैं? First में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दोनों का substantial interest है और दोनों का other sources से income है. इसको 5 लाख रुपया other कोई और sources से, इसके पास 5 लाख रुपया का income है और husband के पास 6 लाख रुपया का income है from other sources. इस remuneration को छोड़ के. But suppose ऐसा case है कि AB Limited से दोनों को AB Limited से Mrs. X और Mrs. Y, Mrs. X और Mr. X दोनों को मिलता है remuneration. और इस income के अलावा they don't have any other source of income, तब क्या होगा? No clubbing. यहाँ पे फिर कोई clubbing नहीं होगा.
क्योंकि इन लोग का और कोई इनकम नहीं है, दोनों को अगर रेम्यूनरेशन इसी सोर्स से मिलता है तो ये लोग अपना अपना जो टैक्स है वो तो ऑब्वियसली देगा ही ना, अपना इनकम पे तो टैक्स देगा ही, तो क्लबिंग करने का कोई जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर हैविंग अदर सोर्स ऑफ इनकम, तब ये मैनिपुलेशन का जरूरत होता है कि मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी इतना ज्यादा है और हम अपना दूसरा सोर्स इनकम उसमें दिखाना नहीं चाहते, तब हम डाइवर्ट करते हैं इन द हैंड्स ऑफ वाइफ और चिल्ड्रन. लेकिन अगर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सेम कंपनी से बोथ द पीपल आर अर्निंग, तो वो दोनों अपना रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स तो देंगे, इसीलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लबिंग. इसीलिए वहां पे क्लबिंग का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा इफ दे डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम. कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, फी, कमीशन, रेम्यूनरेशन. इनकम प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड. ये तो आपको कल से ही पता है कि कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, जिसको मिलता है पहले उसके हैंड्स में आपको पूरा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो नेट इनकम आ रहा है, टैक्सेबल सैलरी जो आ रहा है, वो आपको क्लब करना है विद द अदर स्पाउस. वो इनकम फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग द इनकम. नाउ यू सी इलस्ट्रेशन 3. ये जो अभी इतना कुछ पढ़ा ना कि अगर हस्बैंड वाइफ का दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन द सेम कंसर्न, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, उस कंसेप्ट पे आपका ये सब है इलस्ट्रेशन 3. सी मिस्टर एंड मिसेस ओम बोथ आर वर्किंग इन ए लिमिटेड विदाउट पोजेसिंग एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. दोनों ए लिमिटेड में काम करते हैं और किसी का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट देयर इनकम. ओके, टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम ए लिमिटेड. मिस्टर ओम को 2,20,000 रुपया मिलता है टैक्सेबल सैलरी और मिसेस ओम को कितना मिलता है 70,000. फिर यहाँ पे क्या दिया है, अदर इनकम. नाउ यू सी अदर इनकम में मिस्टर ओम का कितना है 50,000 और मिसेस ओम का कितना है 80,000. दैट मीन्स क्लबिंग का प्रोविजन किसके हाथ में एप्लीकेबल होगा, मिसेस ओम के हाथ में. बिकॉज अदर इनकम, इस रेम्यूनरेशन को छोड़ दीजिए, ये रेम्यूनरेशन आपको नहीं देखना है, इस रेम्यूनरेशन के अलावा जो अदर इनकम है वो किसका ज्यादा है, मिसेस ओम का ज्यादा है, शी इज अर्निंग 80,000, तो उसके लिए जो 2,20,000 है, मिस्टर ओम का जो 2,20,000 है वो किसमें, किसके हाथ में क्लब होगा, मिसेस ओम के हाथ में. और क्लबिंग का प्रोविजंस यहाँ पे इसीलिए आया है, सी दे आर हैविंग नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उनके पास कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग को नॉर्मल रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इसीलिए ये मिसेस ओम के हाथ में मिस्टर ओम का 2,20,000 रुपीज क्लबिंग होगा. अब ये क्लबिंग कैसे होगा, सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ होल्डिंग. केस वन में होल्डिंग है 15%, 6%, दोनों पर मिला के केस वन में कितना होल्डिंग है 21%, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. केस टू में आप देखिए 3%, 17%, 20%, मतलब सेकंड वाला केस में भी दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. और केस थ्री में कितना है 18% एंड 19.1%, मतलब दोनों का मिला के कितना है 19%. इसका मतलब केस थ्री में आपका कोई क्लबिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. अब केस वन के हिसाब से अगर आप सम बनाएंगे तो मिस्टर ओम के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा और मिसेस ओम के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा. सी मिसेस ओम का, मिस्टर ओम का सैलरी कितना है 2,20,000, बट वो सैलरी किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, मिसेस ओम के हाथ में, इट विल बी क्लब. तो मिसेस ओम का पर्सनल इनकम, पर्सनल अपना सैलरी कितना है 2,70,000 और मिसेस ओम का 2,20,000 यहाँ आ जाएगा और अदर इनकम से मिसेस ओम कमाती है 80,000. So this is the total salary for Mrs. Om, total income, total salary nahi, total income of Mrs. Om. Aur Mr. Om ka total income kya hai, only 50,000.
Due to this provision of clubbing, ये 2,20,000 जो मिस्टर ओम को ए लिमिटेड से मिल रहा था और इनका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. और अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आपका कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अदर स्पाउस जिसका इनकम एक्सेप्ट दिस रेम्यूनरेशन ज्यादा हो. इसीलिए मिसेस ओम का एक्सेप्ट दिस रेम्यूनरेशन इनकम ज्यादा है. मिस्टर ओम का कितना है 50,000 अदर इनकम और मिसेस ओम का 80,000. तो इसीलिए इसके हाथ में मिस्टर ओम का 2,20,000 भी क्लब हो जाएगा. इसका पर्सनल इनकम कितना है 70,000 और 80,000 प्लस ये मिस्टर ओम का 2,22,000 दिस विल बी क्लब. ठीक है 21% इस केस के लिए भी यही होगा. सेकंड वाला केस के लिए भी आपका वही होगा बिकॉज वहां पे भी 20% है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सेम इसी तरीके से सेकंड केस का भी सम बनेगा. बट केस 3 में उनका कितना है 19%. सो दे आर नॉट हैविंग एनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो नॉर्मल जैसे टैक्सेबल होता है वैसे ही होगा मिस्टर ओम और मिसेस ओम. मिस्टर ओम के हाथ में कितना है 2,20,000 और अदर इनकम कितना है इसका 50,000. तो ये इसका इनकम 2,70,000 और मिसेस ओम का कितना है 80,000 एंड 70,000 1,50,000. ये नॉर्मल टैक्सेशन होगा. नो प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज एप्लीकेबल क्योंकि किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है. होली और पार्टली कोई भी तरीके से दोनों में से किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है. एक जन का 18% है एक जन का 1% है. तो होली और पार्टली कैसे भी करके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो आपका इसमें क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ये समझ में आ गया ये कंसेप्ट क्लबिंग का प्रोविजन आपको कैसे चेक करना है और कौन सा इनकम चेक करना है और कौन से स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगा. जी मैम रेमुनरेशन का अलग अलावा भी अदर इनकम में जिसका ज्यादा होगा उसका हाथ में टैक्सेबल. अगर नीचे का जो ये होल्डिंग का परसेंटेज बढ़ जाए कम जाए तब भी मतलब 20% तो होना ही पड़ेगा लेकिन ये 15% या 6% है ऐसा देख के डरना नहीं. आपको ये आपका टोटल या इंडिविजुअल या दोनों को मिला के मिनिमम 20% तो होना ही पड़ेगा. अगर कम है तब तो नहीं होगा क्लबिंग का प्रोविजन और अगर ज्यादा है 20% है तब तो डेफिनेटली होगा. सो मिनिमम इज 20% और वो मिनिमम आप कैसे देखेंगे दोनों को मिला के. मैम ये परसेंटेज ये होल्डिंग का कम या ज्यादा होने से मतलब 20 तो होना ही पड़ेगा लेकिन ये देखिए केस टू में सी है मिस्टर ओम का और मिसेस ओम का 17 है ये सब तो मतलब कुछ नहीं. हमको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज बहुत इको हो रहा है. कुछ समझ में नहीं आया होल्डिंग का 20% तो होना ही पड़ेगा इतना ही समझ में आया. उसके बाद आप क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया. मिला के तो मैम 20 तो होना पड़ेगा. हाँ मिनिमम 20 होना पड़ेगा. वो तो पता है लेकिन ये जो होल्डिंग का मतलब ये परसेंटेज ये मिस्टर ओम ये 3% होल्डिंग करता है और मिसेस ओम 17% होल्डिंग करता है तो इसके वजह से कुछ नहीं होगा मतलब फर्क कुछ पड़ेगा नहीं असर होगा नहीं नहीं फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन सपोज ऐसा होता है कि मिसेस ओम के पास 21% है और मिस्टर ओम के पास 3% है तो भी क्लबिंग का प्रोविजन होता है क्योंकि वहां पे लिखा था होली या पार्टली दोनों का मिला के दोनों का क्या. यहाँ पे अगर किसी रिलेटिव के बारे में लिखा हुआ रहता तो उसका परसेंटेज भी अपने लेते. टोटल आपको लेना है इंडिविजुअल अगर ज्यादा है तब तो क्लबिंग लगेगा
परसेंटेज और अगर टोटल विद ऑल रिलेटिव्स भी अगर आपका 20 से ज्यादा है तो भी क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा. सपोज मिसेस ओम का जो आप 17% बोल रहे हैं वहां पर 17 नहीं होकर 21% होता और मिस्टर ओम का 3% होता तो भी क्लबिंग का प्रोविजन लगता क्योंकि उसका अलोन ही 21% है और अगर कंबाइन करेंगे तो 24% है, इट इज मोर देन 20%. आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 20% से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या 20% है. अगर मिस्टर मिसेस ओम का 0% होल्डिंग भी रहता और मिस्टर ओम का 21% होल्डिंग रहता तो भी इसमें क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता. तब किसका हाथ में होगा? जिसका इनकम ज्यादा है अदर देन रेमुनरेशन. रेम्युनरेशन को छोड़ के कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा कि आपको वो रेम्युनरेशन हटा के जिसका इनकम ज्यादा है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा. जैसे कल के हम बोला उसको अदर इनकम को बेस मान के चलना पड़ेगा. उस कंपनी से जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो आप हटा दीजिए, उसके बाद जो टोटल इनकम है उसको आपको लेना पड़ेगा. यहाँ पे अदर इनकम दे दिया है, सपोज आपको बाइफरकेट करके दे देता है, चार पांच इनकम दे के बोलता कि ये अदर इनकम है, तो आपको रेमुनरेशन हटा के बाकी जितना इनकम है उसका टोटल लेना पड़ता, टोटल यू हैव टू ऐड. Okay, next concept is income from asset transfer to spouse. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम किससे हो रहा है क्योंकि आप एसेट क्या किए, ट्रांसफर टू योर स्पाउस. सी वेयर इन द फॉलोइंग केसेस क्लबिंग प्रोविजंस, जब आपका विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर आप अपना कोई एसेट अपना स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से जो इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. सेम एग्जाम्पल मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, ये इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब आउट ऑफ लव या अफेक्शन ये ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. इसीलिए वो 5 लाख का एसेट मान लीजिए ट्रांसफर करता है बट मिसेस एक्स पेज ओनली 2 लाख रुपीज, तो वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है. एडिक्वेट कंसिडरेशन कितना होता, 5 लाख का एसेट के लिए अगर आप 5 लाख पेमेंट करते तब वो एडिक्वेट कंसिडरेशन होता है. बट यहाँ पे मिस्टर एक्स से मिस्टर एक्स को मिसेस एक्स ओनली 2 लाख रुपीज देता है सपोज, तो दैट मीन्स ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है. Now, ये क्या किया, ये कोई एक एसेट इसको ट्रांसफर कर दिया सपोज प्लांट एंड मशीनरी. अब ये एसेट से शी अर्न्स, इस एसेट से कुछ मैन्युफैक्चर होता है या कुछ भी होता है, ये अर्न करती है हर साल 2 लाख रुपया. तो ये 2 लाख रुपया किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स बिकॉज यहाँ पे ये विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन था. अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन रहता मिसेस एक्स 5 लाख रुपया देके मिस्टर एक्स से अपना कोई एक पर्टिकुलर एसेट खरीदती एंड उसके बाद वो अपना नॉर्मल बिजनेस करती और उसमें से 2 लाख रुपया शी वुड हैव अर्न, तो उस पर टैक्स मिसेस एक्स देती. बट यहाँ पे क्या है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है इसीलिए इट विल नॉट बी अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ये क्लबिंग इस पे एप्लीकेबल होगा, वो 2 लाख रुपया मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा. सी क्लबिंग का प्रोविजंस कब एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल नॉट बी अट्रैक्टेड. तो आपको ये एग्जांपल देख के खुद ही समझ आना चाहिए क्लबिंग का प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब एडिक्वेट कंसिडरेशन रहेगा तब क्लबिंग का प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा, और जब उनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहेगा बिकॉज मिस्टर एक्स इज ट्रांसफरिंग टू होम मिसेस एक्स, इसका मतलब उनका रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एग्जिस्ट्स. अगर वो रिलेशन नहीं रहता है तब आप
अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो फिर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कब नहीं रहेगा? इफ टू केसेस, या दे लिव अपार्ट, डाइवोर्स का केस है, या फिर डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउस. किसी एक स्पाउस का अगर डेथ हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहेगा एंड द क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. सपोज मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का डिवोर्स हो गया है. नाउ फ्रॉम दिस एसेट मिसेस एक्स इज अर्निंग 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स, क्योंकि दे आर नॉट एट द टाइम. लेकिन जब ये इसको ये एसेट ट्रांसफर किया था तब उन लोग का मैरिज वॉज देयर, मैरिज सबसिस्ट, मतलब उस टाइम में दे वेर इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, उस टाइम में वो एसेट ट्रांसफर किया था. लेकिन जब उसको इनकम अर्न होने लग गया उस टाइम में द मैरिज डज नॉट सबसिस्ट, इसका मतलब उस टाइम में डिवोर्स हो गया है, तो फिर आपका ये जो 2 लाख रुपया है वो आपको किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिसेस एक्स के हाथ में. सो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है? व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द एसेट तभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहना चाहिए, और जब उसमें इनकम अर्न हो तभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहना चाहिए. आइदर ऑफ द केस में कहीं भी अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहेगा तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. सो द दिस इज द मेन. ये एग्जांपल में 2 लाख रुपया किसने किसको दिया है? 2 लाख रुपया किसी ने किसी को दिया नहीं है. ये एसेट ट्रांसफर किया है इसको, ये प्लांट मशीनरी. इस प्लांट मशीनरी से सपोज शी इज अर्निंग 2 लाख रुपया, उससे कुछ मैन्युफैक्चर होता होगा, वो बेच के शी इज अर्निंग 2 लाख रुपीज. ये ऐसे अर्न कर रही है 2 लाख रुपया, तो ये 2 लाख रुपया विच मिसेस एक्स इज अर्निंग फ्रॉम अ प्लांट मशीनरी, वो ऐसा चीज से अर्न कर रही है विच शी हैज टेकन विदाउट गिविंग एडिक्वेट कंसिडरेशन. वो मिस्टर एक्स को एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दी थी, इसीलिए शी इज रिसीविंग, और उसके बावजूद उसको इनकम होता है 2 लाख रुपया का, इसीलिए ये 2 लाख रुपया मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा. क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन का बात आ सकता है, बिकॉज अगर मिसेस एक्स मिस्टर एक्स को 5 लाख का 5 लाख रुपया दे देती एज एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर उसको ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो जाता है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप करते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप अगर बाहर भी बेचते तो 5 लाख में ही बेचते, घर में अपना वाइफ को बेचा है तो भी 5 लाख में ही बेचा है, देर इज नो एडिक्वेट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से क्यों किसी को बेच रहे हैं? अगर आप बेच रहे हैं इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू गिव फेवर्स. अब वाइफ है इसीलिए आप उसको ये एसेट ट्रांसफर दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो इनकम आएगा वो उसका बुक्स में टैक्सेबल करवाना चाहते हैं. While you could have also earned that 2 lakh rupees from that plant and machinery और अपना books में भी उसको दिखा सकते थे, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? Because आपका खुद का इनकम इतना ज्यादा है कि उस पे तो आपको 30% का टैक्स देना ही पड़ रहा है, और प्लस ये 2-3 लाख रुपए और ऐड करने से और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है. इसीलिए टू अवॉइड दैट पोर्शन, वो 2 लाख का इनकम पे टैक्स बचाने के लिए वो अपना वाइफ के हाथ में दिखा दे रहे कि हाँ 2 लाख रुपया उसका बुक्स में गया है, तो इसीलिए नो टैक्स. इस चीज को कर्व करने के लिए, ताकि ये नहीं हो सके, इसीलिए ऐसा ट्रांजैक्शंस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है. अगर आपका ट्रांजैक्शन रियल है एंड योर वाइफ रियली वॉन्ट्स टू डू बिजनेस, तब आप उसको एसेट ट्रांसफर करो एट मार्केट वैल्यू, और उसके बाद वो उसमें से बिजनेस करे, तो उसमें कोई गलती नहीं है. बट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है और उसके बाद उसमें से बिजनेस करती है, व्हाइल यू आर डूइंग दिस फेवर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना इनकम मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं. दैट्स व्हाई टू कर्व दिस थिंग ये क्लबिंग का प्रोविजन में आता है. इस प्लांट एंड मशीनरी से जो 2 लाख रुपया मिसेस एक्स इज अर्निंग बट शी हैज नॉट पेड एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर दिस प्लांट एंड मशीनरी, इसीलिए ये 2 लाख रुपया विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स.
मैम ये प्लांट एंड मशीनरी तो मिस्टर एक्स ने खरीद कर ही तो वाइफ मतलब मिसेस को दिया है। खरीद कर दिया है तो मिस्टर मिस्टर एक्स तो उसका पूरा 5 लाख रुपया पेमेंट करके खरीदा होगा, तो वो अपना वाइफ को क्यों ट्रांसफर कर रहा है? और अगर ऐसे अगर आप नॉर्मल बोले कि ट्रांसफर कर दिया है वो उसको, तो फिर वो तो गिफ्ट हो गया, तो वो ऐसे ही नॉर्मली क्यों ट्रांसफर कर देगा वाइफ को? और अगर करेगा तो शी शुड हैव, अगर आपका बिजनेस टर्म्स है तो इसको बिजनेस के तरह देखिए। इफ इट इज नॉट बिजनेस टर्म्स नहीं है, इसीलिए अगर वो मार्केट से खरीद के लाया, वो मार्केट से खरीद के लाके अपना वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में क्यों दिया? अगर उसको प्रॉपर बिजनेस करवाना ही था अपना वाइफ से, तो वाइफ के अकाउंट से 5 लाख रुपया डेबिट करवा के वो उसके नाम पे खरीदा था वो मशीनरी, और फिर शी वुड हैव डन दैट बिजनेस। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर आज अपना कोई बिजनेस करना चाहें, एंड इफ माय हस्बैंड इज पेइंग फॉर दैट, वो उस मशीनरी के लिए पे करता है और वो मशीनरी हम अपने नाम पे खरीदते हैं कि इट इज इन माय नेम, आई दिस अमाउंट इज बीइंग पेड बाय हस्बैंड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हस्बैंड तो पे कर सकते हैं, बट वो नाम मशीनरी मेरा है, बिजनेस मेरे नाम पे हो रहा है, आई एम पेइंग द टैक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने नाम पे खरीद के दिखा रहा है, वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अपना वाइफ को देके दिखा रहा है कि दिस इनकम इज फ्रॉम हर, वो मशीनरी से इनकम शी इज अर्निंग, ही हैज नॉट ट्रांसफर्ड, उसका लीगल राइट उस मशीनरी पे किसका है? हस्बैंड का है। यहाँ पे इनकम टैक्स तो ये नहीं देखेगा ना कि हस्बैंड वाइफ है, उन लोग का अपना रिलेशन है तो कर ही सकता है। इनकम टैक्स डज नॉट सी दैट, उसको आपका वो इमोशनल या पर्सनल रिलेशन नहीं देखना है, वो लॉ देखता है। मशीनरी जब खरीदा है, हस्बैंड किसके नाम पे है? हस्बैंड के नाम पे, तो उसका जो इनकम होता है उस पर टैक्स हस्बैंड देगा, वाइफ क्यों देगा? वाइफ क्यों टैक्स आप उसका बुक्स में क्यों दिखाएंगे? यू शो इट इन द बुक्स ऑफ हस्बैंड, उसका वो, बिकॉज इट इज इन द नेम ऑफ हस्बैंड। अगर वो वाइफ के नाम पे खरीदता, वो उसका बिजनेस करती है एंड शी वाज अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये खुद खरीद के अपने नाम पे इसको जस्ट ट्रांसफर कर रहा है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चला जाए। दिस एज पर लॉ इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, ये सब अगर ट्रांजेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा तब ऐसा बहुत जन अपना बच्चा के नाम पे, वाइफ के नाम के अलग अलग तरीका से, यू विल लेटर स्टडी सन्स वाइफ इज आल्सो इंक्लूडेड, वाइफ एंड सन्स वाइफ को भी अगर आप ऐसा कोई इनएडिक्वेट ट्रांजैक्शंस, ऐसा कोई इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके हाथ में भी जो इनकम होगा वो भी टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। यू माइट थिंक कि हस्बैंड अब अपना वाइफ के लिए कर सकता है, बट इनकम टैक्स लॉ ये चीज को नहीं देखता है, लॉ देखता है व्हाट इज लीगल व्हाट इज इलीगल। अगर उसको बिजनेस करना है तो सब कुछ उसके नाम पे करो, तभी वो बिजनेस उस पे से करेगी एंड शी विल पे टैक्स। ऐसे घुमा फिरा के बिजनेस करने का कोई जरूरत नहीं है, और अगर ऐसे करना है तो टैक्स विल बी बोर्न बाय द पर्सन जिसके नाम पे वो प्लांट एंड मशीनरी है। ओके तो इस केस में मैम ये तो इस लोगों ने तो झोल कर दिया है, क्या तो चीज? मतलब वो मतलब वाइफ के नाम पर मतलब दिखा रहा है वो टैक्स मैनिपुलेट करने के लिए। तो खरीद के तो मैम हस्बैंड ही दिया है उन लोगों को, मतलब अपने वाइफ के नाम पर, है कि नहीं? नहीं, कहाँ खरीद के दिया, ये तो इनएडिक्वेट ट्रांसफर्स है ना। अगर वो उसके नाम पे खरीदता तो हस्बैंड ट्रांसफर इनएडिक्वेट कैसे होता? हस्बैंड ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर मींस व्हाट? सेल में आप इनकम, वो कैपिटल गेन्स में क्या पढ़े थे? ट्रांसफर मतलब सेल, वो उसको बेच रहा है, वो उसको ट्रांसफर मतलब ऐसे ट्रांसफर नहीं कि वो उसको गिफ्ट दे रहा है, इट इज अ ट्रांसफर मींस सेल। एंड इन कैपिटल गेन्स वाला ट्रांसफर, कैपिटल गेन्स में ट्रांसफर का मतलब क्या आता था? सेल, ही इज सेलिंग टू हिज वाइफ, और वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। व्हाई विल ही सेल टू हिज वाइफ इन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? समझ में आया? मैम ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब किस टाइप को बोलते हैं?
मतलब सपोज प्लांट एंड मशीनरी का मार्केट वैल्यू है 5 लाख, अगर मिस्टर एक्स मार्केट में किसी को बेचता, अपना फ्रेंड को बेचता सपोज मिस्टर वाई को, तो वो 5 लाख रुपया ले लेगा उसको, बट वो अपना वाइफ को बेचा है, मिसेस एक्स हैज पेड ओनली 2 लाख रुपीज। इसका मतलब दिस कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। इनएडिक्वेट मतलब जितना है उतने, इट इज नॉट अप टू दैट लेवल। 5 लाख का चीज अगर आप 2 लाख में अपना वाइफ को बेच रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आप बिजनेस मोटिव नहीं है आपका, कुछ और मोटिव है यहाँ पे, जस्ट टू शो आप 2 लाख रुपया दिखा रहे कि हाँ हम उससे 2 लाख रुपया लेके प्लांट मशीनरी बेचा है, बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट मशीनरी इज 5 लाख रुपीज। तो आपको मार्केट वैल्यू में ट्रांजैक्शन करना था। अगर मिसेस एक्स मिस्टर वाई को 5 लाख रुपया देती तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज दैट इज अ जेन्युइन थिंग। ठीक है, वो 5 लाख रुपया अपने हस्बैंड से कोई एक मशीनरी खरीद ही सकती है जिससे वो अपना पर्सनल सेटअप करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहती है, बट यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। इसका मतलब ही पर्सनल फेवर्स आर देयर, इट इज नॉट टोटली जेन्युइन बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी समझ में आया मैं। ओके, वो 2 लाख इसीलिए का तो पैसा जो, मारना चाहता है वो लोग। हाँ ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्लबिंग प्रोविजंस शैल नॉट बी अट्रैक्टेड। कहाँ अट्रैक्ट नहीं होगा? व्हेन सच ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर 5 का 5 पूरा आप उससे ले रहे हैं तो आपका एडिक्वेट कंसिडरेशन है, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई बात नहीं। ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। नाउ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डाइवोर्स के केस में आपको एलिमनी मिलता है, अब देना पड़ता है वाइफ को, जितना वो क्लेम करती है कोर्ट में जितना फाइनल होता है उतना एलिमनी देना पड़ता है। तो वो हस्बैंड क्या किया, वो एलिमनी मान लीजिए आप 2 लाख रुपया पे है, 2 लाख रुपया हर मंथ उसको एलिमनी देना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंस, सो व्हाट हस्बैंड डज, ही ट्रांसफर्स वन ऑफ द एसेट। वो उसको एक एसेट बेच देता है और बोलता है ये एसेट तुमको हर महीना 2 लाख रुपया देगा। तो इनडायरेक्टली थ्रू हिज एसेट ही इज गिविंग हर द एलिमनी व्हिच इज फाइनलाइज्ड इन कोर्ट। इन दैट केस आल्सो आपका क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज़ यहां पे एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डाइवोर्स हो चुका है और वहां पे देयर इज नो पर्सनल रिलेशन, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसीलिए जो भी हो रहा है वो जेन्युइन है, वो अगर उसमें वो अपना एसेट दिया है उसको, ताकि एवरी मंथ दैट एसेट गिव्स हर 2 लाख रुपीज, और इसको ताकि इन कैश कुछ पे नहीं करना पड़े, दैट केस में आपका क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। एंड मतलब वेन द मैम एसेट, एग्जाम्पल के लिए ये सेकंड वाला जो है एग्रीमेंट वाला लाइफ पार्ट वाला, तो लिव अपार्ट, हाँ एग्रीमेंट टू लिव वो अपार्ट, डाइवोर्स, उस केस में अगर मतलब डिवोर्स हो जाता है तो ऐसा एसेट खरीद के देना पड़ेगा उन लोग मतलब दे देता है कि एक हाउस दे देता है वो रेंट पे, वो महीने 2 लाख रुपया मतलब कमा सकते हैं वाइफ, तो उस हाँ केस में मतलब क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। क्योंकि अगर आपका एलिमनी तो देना ही पड़ता है, जो कोर्ट में फाइनल होगा वो आपको देना ही पड़ेगा। आप कैश में दीजिए, काइंड में दीजिए, घुमा के दीजिए, कैसे भी कीजिए, उसको उसका बिजनेस करवा के दीजिए, व्हाटएवर यू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि उसको उतना पैसा मंथली में मिल रहा है। इसीलिए आपका उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। क्लबिंग का प्रोविजन आपका इस केस में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में तभी आएगा जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बस आप ये याद रखने से बाकी सब केस आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। डेथ हो गया तो भी नहीं होगा, डाइवोर्स हो गया तो भी नहीं होगा, कैसे भी द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एग्जिस्ट। एंड व्हेन द एसेट इज ट्रांसफर्ड इज हाउस प्रॉपर्टी। नाउ सपोज आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी है, ट्रीटमेंट यही होगा जो इसमें लिखा हुआ है, वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। व्हाट एवर शी इज अर्निंग, सपोज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए और उसका रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट का किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड, बिकॉज
because the relation of husband and wife subsists. Suppose relation of husband and wife subsists. तो वो ट्रांसफर फ्लड कर रहा है प्रोवाइड को उसमें से जो रेंट शी इज अर्निंग वो रेंट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखा हुआ है कि ये जो क्लबिंग का प्रोविजन है ये है सेक्शन 64 में. तो आपका सेक्शन 64 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 27 एप्लीकेबल होगा क्योंकि 27 में भी यही बात लिखा हुआ है. अब देखिए सेक्शन 27 वर्सेस सेक्शन 64, बात दोनों में सेम लिखा हुआ है बट जब हाउस प्रॉपर्टी का बात है तब आपका सेक्शन 64 इज नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल. सी वेयर सच ट्रांसफर्ड एसेट इज हाउस प्रॉपर्टी देन द सेम विल नॉट बी कवर्ड बाय सेक्शन 64 बट गवर्न्ड बाय सेक्शन 27 डीम्ड ओनर इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में कंसेप्ट आया था डीम्ड ओनर. In this regard, following instances are notable. अब इसमें क्या होता है? Section 27 क्या बोलता है? Mr. X transferred his house property. कितना में transfer किया? 15 लाख रुपया का house property in favor of Mrs. X out of love and affection without any consideration. मैम, 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 मैम. आपका Hello. मैम आपका आवाज इको होके आया था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया आगे वाला. कुछ भी मतलब नेटवर्क इशू होगा शायद, मतलब पूरा इको हो गया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया. अब आ रहा है क्लियर? बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है फिर इको हो जा रहा है. ठीक है एक बार हम ये कॉल लीव करके ज्वाइन करते हैं. ओके अब नाउ से सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ हाँ अभी 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 क्लियर है. ओके व्हेन सच ट्रांसफर्ड एसेट क्या है? हाउस प्रॉपर्टी है. हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होता है तो सेक्शन 27 एप्लीकेबल है नॉट सेक्शन 64. बट दोनों सेक्शन में जो बात लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है. बट हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल. 27 क्या बोलता है? सपोज मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख रुपया का इन फेवर ऑफ मिसेस एक्स. मिसेस एक्स को दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन. बिना कोई कंसिडरेशन लिए जस्ट ही ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस टू हिज वाइफ. इनकम जनरेटेड इस हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपया आता है. ये 1 लाख रुपया टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. व्हाई? बिकॉज़ देयर वाज नो कंसीडरेशन. सपोज मिसेस एक्स 15 लाख रुपया देके वो घर लेती. मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को घर देता और वो उससे 15 लाख रुपया लेता तब ये एडिक्वेट कंसीडरेशन होता एंड ये नॉर्मल बिजनेस होता. उसमें से जो रेंट आता वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होता. बट यहाँ पे विदाउट एनी कंसिडरेशन वो टैक्सेबल विदाउट एनी कंसिडरेशन ये ट्रांसफर हुआ है. इसीलिए व्हाटएवर शी इज अर्निंग ये 1 लाख रुपया जो वो अर्न करती है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. कैपिटल गेन जनरेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन मिसेस एक्स एंड देन वो क्लब्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. अगर कैपिटल गेन्स उस हाउस प्रॉपर्टी को मिसेस एक्स बेच देती है वो उसको ट्रांसफर किया. मिसेस एक्स क्या की? सोल्ड दैट हाउस. वो सेल करने से उसको कितना मिला? सपोज 17 लाख रुपया मिला. और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? हम वो इम्प्रूव क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर्स इम्प्रूवमेंट्स वो सब नहीं ले रहे, एकदम सिंपल हम दिखा रहे कि 17 लाख रुपए में वो बेची और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसके लिए तो निल था
बट जो प्रीवियस जो ओनर है एक्चुअली उसके हाथ में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपया. तो ये 2 लाख रुपया कंप्यूट होगा इन द बुक्स ऑफ वाइफ, वो कंप्यूटेशन वाइफ के बुक्स में होगा. बट ये 2 लाख रुपया जाके क्लब किसके हाथ में होगा, हस्बैंड के हाथ में. नेट वो जाके 2 लाख रुपया विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड. मिस्टर एक्स गिफ्टेड 15 लाख आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. मिसेस एक्स परचेज्ड अ हाउस लोन प्रॉपर्टी फ्रॉम सच गिफ्टेड मनी. सपोज वो मिस्टर एक्स अपना वाइफ को गिफ्ट दिया 15 लाख रुपया. अब 15 लाख रुपया जो उसको गिफ्ट मिला, उस गिफ्ट से मिसेस एक्स परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, वो एक घर खरीद ली उस गिफ्ट का पैसा से. नाउ इनकम जनरेटेड फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपया. सच इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन मिसेस एक्स का हैंड एंड देन इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स का क्या बोलते हैं, वो गिफ्ट का पैसा से अगर कोई घर खरीदती है तो भी उसका जो इनकम होगा दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ क्या बोलते हैं मिस्टर एक्स. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज सपोज घर एक्चुअल में खरीदना मिस्टर एक्स को ही है, लेकिन मिस्टर एक्स अगर वो घर खरीद लेगा तो फिर क्या मान लिया जाएगा कि वो घर खरीदेगा, उस पर जो भी इनकम होगा वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, मिस्टर एक्स के हाथ में. तो इसीलिए टू शो बुक्स पे दिखाने के लिए वो क्या करता है, 15 लाख रुपया का देता है अपना वाइफ को कि ये गिफ्ट दिया है वो अपना वाइफ को. बट वो ही गिफ्ट से वो घर खरीदती है 15 लाख रुपया का और उसमें से जो इनकम आता है वो किसके बुक्स में जाएगा, मिसेस एक्स के बुक में. बट एक्चुअली वो क्या है गिफ्ट का मनी. और फॉर इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए यू डोंट नो द रियल इंटेंशन एसएससी का गवर्नमेंट को नहीं पता चल सकता कि वो गिफ्ट का पैसा एज रियली गिफ्ट दिया है या वो क्या चाहता है ये गिफ्ट का पैसा दिखा के. तो इसीलिए उस केस में भी क्या होगा, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब होगा. Now see, consideration must be measurable in terms of money. Therefore, natural love and affection, spiritual, religious, ये सब चीज़ income tax में नहीं आता. Tax जब आप भर रहे, आपको सिर्फ पैसा का बात करना है और आपका उस पे कितना tax है नहीं है उसका बात करना है. You cannot give these excuses कि natural love affection है, हमारा personal relation है, spiritual relation है कि हम donate कर रहे हैं. ये सब चीज इनकम टैक्स एक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ ये देखता है आप कितना पैसा से क्या कर रहे हैं और कहां आप टैक्स अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं. जहां आप टैक्स अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं वहां पे इनकम टैक्स अपना लॉज और रूल्स लगा देगा. उसके लिए लव अफेक्शन या कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. That's why it is written कि consideration measurement उसका appropriate monetary terms में होगा. आप लोग को सुनाई दे रहा है हम जो बोल रहे हैं? हाँ मैम है. Inadequate consideration if property has been transferred to spouse. अब यहाँ पे एक और जन आ गया है son's wife. You cannot transfer to your spouse, neither you can transfer to your son's wife. दोनों में से किसी को नहीं कर सकते. Directly or indirectly for a consideration which is inadequate. Inadequate consideration में आप अपना wife को, son का wife को, दोनों में से किसी को भी कुछ भी transfer नहीं कर सकते. आपका consideration हमेशा adequate होगा. और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो पार्ट ऑफ इनकम जो इनएडिक्वेट है वो क्या हो जाएगा, क्लब. नाउ इसके लिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, सी मिसेस एक्स, मिस्टर एक्स क्या करता है, 1,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100. ये मार्केट वैल्यू ₹100 का है, मिसेस एक्स को दे देता है. मिसेस एक्स को कितना में दे रहा है, 25,000 में. नाउ यू सी
रुपया का 100 रुपया का डिवेंचर्स, 1 लाख रुपया का सामान है ये। अगर आप ये सिक्योरिटीज का वैल्यू देखेंगे दिस इज 1 लाख, और इसको आप कितना में दे रहे हैं, ओनली 25,000 रुपीज में, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उसमें से जो इनकम अर्न कर रहा है मिसेस एक्स, इसमें से इनकम कितना अर्न कर रहा है, 10,000 रुपया। नाउ यू सी, 1 लाख रुपया के लिए आप कितना में दे दिया, 25,000 रुपया। व्हाट शी इज अर्निंग, 10,000 रुपया शी इज अर्निंग। तो ये 25 लाख का जो प्रोपोर्शनेट पोर्शन है उस पे वाइफ टैक्स देगी, और जो प्रोपोर्शनेट पोर्शन नहीं है उस पे हस्बैंड टैक्स देगा। आप 1 लाख का सामान सिर्फ 25,000 रुपया में बेच दिया और उसमें से 10,000 रुपया इनकम आ रहा है, 10,000 रुपया का, इसका मतलब सिर्फ 25% कंसिडरेशन ही आपको मिला है। आप 1 लाख का 25,000 कितना होता है, 25% कंसिडरेशन ही सिर्फ आपको मिला है। तो इसीलिए जो इनकम आता है उसका भी यू हैव रिसीव्ड ओनली 25% कंसिडरेशन। इसका मतलब 25% पे वाइफ टैक्स देगी और 75% पे आप टैक्स देंगे। मतलब ये जो इनकम हुआ है 10,000 रुपया का, इसमें से 2,500 रुपया और 7,500, इस 2,500 पे टैक्स वाइफ देगी और इस 7,500 पे टैक्स हस्बैंड देगा। समझ में आया, आप 25% में बेच दिए, 1 लाख का सामान यू हैव टेकन ओनली 25% ऑफ दैट मनी। इसका मतलब उसमें से जो इनकम आएगा वो भी आप सिर्फ 25% ही बियर करेंगे, बाकी जो आप 75% यू हैव नॉट टेकन फ्रॉम योर वाइफ वो 75% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर विद दिस कांसेप्ट? ये आपका प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन है, जहां आपको समझ में आता है कि सिर्फ जितना परसेंट वाइफ पेमेंट की है वो उतना ही परसेंट का टैक्स देगी, बाकी का जो आप नहीं लिए हो वो टैक्स आपको बियर करना पड़ेगा इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे स्पाउस हो या सन्स वाइफ हो, हूएवर इज द केस। नाउ द एसेट्स सो ट्रांसफर्ड डिड नॉट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम कुछ और एसेट दिए थे, आप उसको बेच के कुछ और एसेट ले लिए, एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये दूसरा एसेट है, हम इस पे टैक्स नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड टू मिसेस एक्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कैन बी एनीथिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है। 5 लाख रुपए का शेयर्स, डिबेंचर ट्रांसफर किया गया मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को, और मिसेस एक्स क्या की है, एक्सचेंज, अपना वो सिक्योरिटीज बेच के एक घर ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी। सो मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकता कि हम तो सिक्योरिटीज ट्रांसफर किए थे और अब तो वो हाउस प्रॉपर्टी ले ली है तो उसमें से जो इनकम आएगा वो क्लब नहीं होगा। दिस कैनॉट बी द थिंग, हाउस प्रॉपर्टी से भी जो इनकम आएगा वो भी क्लब होगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। नाउ सपोज इसमें क्या होता है, आपको 5 लाख रुपया का सिक्योरिटी मिला है, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को 5 लाख रुपया का सिक्योरिटी मिला है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, 5, सपोज ये 100 रुपया का था तो 5,000 शेयर्स। नाउ व्हाट हैपेंस, कंपनी बोलता है शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर्स इशू करेंगे, जिसके पास भी 1 शेयर है हम उसको 2 शेयर्स बोनस में देंगे, 1:2। इसको लिखने का ये तरीका है, बोनस शेयर्स इशूड इन द रेशियो 1:2, मतलब हर 1 शेयर के लिए 2 शेयर मिलेगा। आप बोनस शेयर्स का सम्स भी अगर किए तो उसमें यू हैव सीन ये रेशियो ऐसे लिखा रहता है 1:2, मतलब हर 1 शेयर होल्डर्स पे 1 शेयर जिसके पास है उसको हम 2 शेयर देंगे। तो मिसेस एक्स के पास कितना शेयर था, 5,000 शेयर, which she got from her husband Mr. X. अब हर 1 शेयर के लिए उसको 2 शेयर मिलेगा, मतलब 10,000 शेयर्स मिलेगा उसको, तो उसके ऊपर टोटल कितना शेयर्स हो जाएगा, 15,000 शेयर्स। अब कंपनी क्या बोलता है, हम डिविडेंड भी देंगे,
डिविडेंड बोलता है हर एक शेयर पे हम 2 रुपया डिविडेंड देंगे, ऐसे कभी कोई कंपनी बोलता नहीं है, बट हम सिंप्लीफाई करने के लिए डिविडेंड कंपनी परसेंटेज में देता है। जैसे हम कल डिविडेंड वाला में दिखाए थे कि कैसे 10% ऑफ डिविडेंड देता है, तो वो कितना डिविडेंड होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक शेयर होल्डर के पास कितना डिविडेंड जाएगा, डिविडेंड वैसे दिया जाता है। बट सपोज उतना वर्किंग करने के बाद ये आता है कि हर एक शेयर के ऊपर 2 रुपया डिविडेंड देंगे, मिसेस एक्स को कितना डिविडेंड मिलेगा, 15,000 शेयर से 2 रुपया, 30,000 रुपया उसको डिविडेंड मिलेगा। नाउ डिविडेंड इज किसके बुक्स में टैक्सेबल होगा, मिसेस एक्स, क्योंकि उसको डिविडेंड का पैसा मिला ना, डिविडेंड तो उसको टैक्सेबल होना चाहिए, किसके बुक्स में, मिसेस एक्स के बुक में। बट यहाँ पे 15,000 शेयर में 5,000 शेयर के लिए वो कुछ पेमेंट नहीं की थी, ना ही शी हैज परचेज दोस शेयर्स, ये 10,000 शेयर्स उसको बोनस में मिला है, वो उसका खुद का शेयर्स है, बट ये 5,000 शेयर्स जो है मिस्टर एक्स का, वो भी मिसेस एक्स के पास है। तो अल्टीमेटली उसको डिविडेंड कैसे मिल रहा है, इस 5,000 के लिए 2 रुपया मिल रहा है और ये 10,000 के लिए 2 रुपया मिल रहा है, मतलब 5,000 का 2 मतलब 10,000 रुपया डिविडेंड आपको ओरिजिनल शेयर से मिल रहा है और 20,000 रुपया डिविडेंड आपको बोनस शेयर्स पे मिल रहा है। नाउ कीप इट इन माइंड कि ये जो 20,000 है इस पे टैक्स मिसेस एक्स पे करेगी और ये 10,000 पे टैक्स मिस्टर एक्स बियर करेगा, बिकॉज वो 10,000 रुपया का जो डिविडेंड है वो किस, वो क्लबिंग के प्रोविजंस में आता है, क्योंकि वो 5,000 शेयर्स मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को दिया था इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, या फिर कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन में भी ट्रांसफर कर सकता है, तो इसीलिए वहां पे आपका क्लबिंग का प्रोविजन आता है। इसीलिए वो 5,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके जो डिविडेंड मिल रहा है मिसेस एक्स को, वो 10,000 रुपया का डिविडेंड टैक्स बियर करेगा मिस्टर एक्स, और ये जो 10,000 which she has earned as bonus shares, ये 10,000 पे जो 2 रुपया करके डिविडेंड मिला है 20,000 रुपया, ऐसे भी ये 30,000 ही आ रहा था, 15,000 × 2 30,000 डिविडेंड आ रहा था, बट इसका बाइफरकेशन ये है 5,000 का 2 10,000 का 2 20,000, ये 30,000 रुपया का डिविडेंड। नाउ ये टैक्स ऐसे होगा, 10,000 रुपया का डिविडेंड मिस्टर एक्स देगा और 20,000 पे टैक्स मिसेस एक्स देगी। दिस इज नोन एज एक्रेशन ऑफ एसेट, एक्रेशन मतलब आपका एसेट का वैल्यू बढ़ गया, आपके पास कितना था 5,000, आपके पास कितना हो गया 15,000, तो ये 10,000 जो एक्रेशन है, तो एक्रेशन वाले पोर्शन क्लब नहीं होता, जो एक्रेशन वाला पोर्शन नहीं है सिर्फ वही क्लब होगा। यही आपका एग्जाम्पल इसमें है कि मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू मिसेस एक्स शेयर्स कितना 5,00,000 रुपया का और उसको बोनस शेयर मिला ऑन सच शेयर्स, तो डिविडेंड ऑन ओरिजिनल शेयर्स शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, बट डिविडेंड ऑन बोनस शेयर्स क्लब होगा इन द टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ मिसेस एक्स। यहाँ पे आपको सिर्फ ये लाइन में लिख दिया, इन दिस एग्जाम्पल हम आपको क्लियर समझा दिया कि कैसे बोनस मिला और उसका रिस्पेक्टिव डिविडेंड कितना होता है और उस पर कैसे टैक्स देगा। जो ओरिजिनल शेयर्स है वो पोर्शन का डिविडेंड विल बी क्लब्ड विद द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, और जो एक्रेशन मतलब जो बोनस शेयर जितना आपका एसेट बढ़ा उसकी वजह से आपको जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड होगा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज गिफ्टेड टू स्पाउस और सन्स Son's wife shall be clubbed in the hands of transferor. आप अगर कुछ gift कर रहे हैं तो capital gains, income on income. Now what is happening? Same वैसा ही concept है accretion. मैम आवाज नहीं आ रहा है मैम. ओ ये क्या हो रहा है? Network issue के लिए ऐसा हो रहा होगा. बाकी और किसी को मैम आवाज नहीं आ रहा है, क्या बताइए इसका क्या उपाय।
अब आ रहा है आवाज? जी पहले का इको हो गया, फिर आवाज ही नहीं आ, अच्छा, बार बार इको हो अब जाता है। नाउ इज ऑडिबल? यस मैम, यस। सी मिस्टर, हाँ, मिस्टर एक्स ट्रांसफर टू मिसेस एक्स शेयर्स ऑफ 5 लाख रुपया. 5 लाख रुपया का शेयर्स ट्रांसफर किया. मिसेस एक्स क्या किया? सोल्ड सच शेयर्स फॉर 6 लाख रुपया. वो 5 लाख का शेयर्स को 6 लाख रुपया में बेच के क्या खरीदी? वो उस 6 लाख रुपया से 12% डिबेंचर्स खरीदी फॉर अनदर कंपनी. ये जो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट शी अर्न, 5 लाख का शेयर्स वो बेची 6 लाख में, उसके लिए शी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज. ठीक है, ये 1 लाख रुपीज का क्या होगा? कैपिटल गेन्स. तो 1 लाख रुपीज वो इन्वेस्ट की. 1 लाख रुपीज वो कहाँ इन्वेस्ट की? 12% डिबेंचर्स में. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना मिलता है? 12%. सी ये 1 लाख रुपीज, तो इसका मतलब उसके पास टोटल पैसा अभी कितना है? 6 लाख रुपया. 5 लाख को बेच के 6 लाख में बेच दी, और वो 6 लाख रुपया से शी परचेज 12% डिबेंचर्स. अब इसमें से जब 12% वो डिबेंचर्स खरीदी है, तो आपको 12% डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स के सामने ऐसे 12% लिखा रहता है, मतलब वो डिबेंचर आपको 12% इंटरेस्ट देगा. सो 12% ऑफ 6 लाख, इफ यू डू, यू विल गेट 50,000. सॉरी, 50,000 नो, 60,000. ₹60,000 यू विल गेट एज इंटरेस्ट. 6 लाख रुपया पे आपको इंटरेस्ट, ये 6 लाख रुपया है, ये 5 लाख रुपया. इस 6 लाख का दो बाइफरकेशन है. दो बाइफरकेशन क्या है? एक है 5 लाख रुपया जो मिस्टर एक्स का है, और एक है 1 लाख रुपया जो मिसेस एक्स का है. 1 लाख रुपया शी हैज अर्न हरसेल्फ. कैसे? बिकॉज वो 5 लाख का शेयर 6 लाख में बेच दी. तो ये 1 लाख रुपया का जो कैपिटल गेन्स है, ये कैपिटल गेन्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. ये कैपिटल गेन्स का पैसा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा. ठीक है, अब 6 लाख का डिबेंचर आ गया उसके पास. अब 6 लाख का डिबेंचर्स पे दो पोर्शन है, एक 5 लाख वाला पोर्शन और एक 12% ऑफ 1 लाख वाला पोर्शन. ये जो 60,000 रुपया है, 12% ऑफ 5 लाख, दिस 60,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. ये मिस्टर एक्स के हैंड में टैक्सेबल होगा. और ये 12% जो 1 लाख पे है, ये 12,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिसेस एक्स. नाउ सी, वो क्या किया? वो 5 लाख रुपया दे के 6 लाख का सामान लेके आई. तो वहां पे उसको पहला क्या हुआ? कैपिटल गेन्स ऑफ 1 लाख. वो 1 लाख विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, वो तो टैक्स हो गया. अब 6 लाख का डिबेंचर्स है उसके पास, 12% इंटरेस्ट देता है, बट वो 6 लाख में 5 लाख जो है, दैट इज मिस्टर एक्स का 5 लाख. तो वो मिस्टर एक्स 60,000 रुपीज पे टैक्स मिस्टर एक्स देगा, और जो 12% 1 लाख वाला पोर्शन है जो वो पर्सनल बेच के शी हैज अर्न, उस पे 1 लाख रुपया पे टैक्स मिसेस एक्स देगी. दिस इज नोन एज इनकम ऑन इनकम. आपका कितना इनकम हुआ था? 1 लाख. 1 लाख पे और कितना इनकम हो रहा है? 12,000 और 60,000. इनकम ऑन इनकम. कैपिटल गेन्स पे आपको इंटरेस्ट का इनकम मिल रहा है. दिस इज नोन एज इनकम ऑन इनकम का कंसेप्ट. वेर एन एसेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट. ट्रस्ट बना के अगर एसेट ट्रांसफर करते हैं आप अपना स्पाउस को या सन्स वाइफ को, स्टिल सेक्शन 64 विल बी एप्लीकेबल और क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. ट्रीटमेंट आफ्टर डेथ.
आफ्टर डेथ क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. वेरी ऑब्वियस, बिकॉज तब वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहता, इसीलिए क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. और उसके बाद एक कंसेप्ट है क्रॉस गिफ्ट. व्हाट इज क्रॉस गिफ्ट? सपोज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई इसका सन है, ठीक है. यहाँ पे है मिसेस एक्स, यहाँ पे है मिसेस वाई, ये चार लोग हैं. नाउ ये लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस गिफ्ट. मिस्टर वाई मिस्टर मिसेस एक्स को गिफ्ट देता है. नाउ सन अगर मदर को गिफ्ट दे तो क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि सन और मदर के बीच में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे हमेशा लिखा है स्पाउस या सन्स वाइफ. तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, यहाँ पे वो लोग अपना बुद्धि लगाया कि ठीक है स्पाउस को नहीं ले सकते, लेकिन सन के थ्रू सन अपना क्या बोलता है उसको तो दे सकता है, मदर को दे सकता है. देयर इज नो क्लबिंग. अब ये एसेट इसके पास आ गया, सपोज 5 लाख का. ये 5 लाख का एसेट इसके पास आ गया, मिस्टर वाई मिसेस एक्स को दे दिया, क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ. लेकिन इन लोगों को एक्चुअली ये गिफ्ट का काम करना ही नहीं था, इन लोगों को क्या करना था? टैक्स बचाना था. तो इसीलिए ये 5 लाख रुपए इधर ट्रांसफर कर दिया और मिस्टर एक्स मिसेस वाई को रुपीज 5 लाख रुपीज दे दिया, 5 लाख रुपया के फॉर्म में दे दिया, इन मॉनेटरी फॉर्म. वो उसको एसेट दे दिया और वो उसको 5 लाख रुपया दे दिया. तो घुमा फिरा के क्या हुआ? अल्टीमेटली वो 5 लाख रुपया जो मिसेस वाई के पास गया, उस 5 लाख से तो वो खरीद ही सकता है एसेट मिस्टर वाई. तो दिस इज क्रॉस गिफ्ट. ऐसा अगर कोई अरेंजमेंट कोई करता है कि जितने का एसेट मिला है उतना का ही, उतने वैल्यू का ही अगर आपको दूसरा कोई एसेट रिटर्न कर दे, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्निंग. यहाँ से वाई एक्स को दिया, मिसेस एक्स को दिया और फिर वापस मिस्टर एक्स क्या किया, मिसेस वाई को दे दिया. ये क्रॉस ट्रांजेक्शन भी आपका क्लबिंग में आएगा. यहाँ पे भी आपको क्लबिंग एप्लीकेबल होगा. आप क्रॉस ट्रांजैक्शन करके भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आपका क्लबिंग का प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. अपना अपना, जैसे ये मिसेस एक्स का क्लबिंग होगा मिस्टर एक्स के साथ और मिसेस वाई का क्लबिंग होगा मिस्टर वाई के साथ. अपना जो स्पाउस है, क्लबिंग हमेशा स्पाउस के बीच में ही होगा, लेकिन आप अगर ऐसे क्रॉस करेंगे तो फिर इट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्पाउस. नेक्स्ट इज दिस सम. इस सम को आप लोग करिएगा. इसमें क्या है, सी मिस्टर एक्स गिफ्टेड 1000 शेयर्स ऑफ नॉन डोमेस्टिक कंपनी 6 लाख रुपया का. अक्वायर कब किया था ये? 15 March 2022, Mrs. X, out of love and affection, on 15-4-2020, एक महीना बाद. 31 January 2021 को Mrs. X को receive हुआ dividend on such shares. In India, वो shares पे dividend receive हुआ. और ये क्या बोलता है? Shares है किसका? Non-domestic. 1 February 2021 को Mrs. X क्या किया? Sold such shares. 10 लाख रुपीज, मतलब 6 लाख का शेयर 10 लाख में बेच दिया एंड रिसीव्ड कंसीडरेशन इन इंडिया. और वो कंसीडरेशन इंडिया में उसको रिसीव हुआ है. शो टैक्स ट्रीटमेंट. इफ 1 फरवरी 2021 को मिसेस एक्स इन्वेस्टेड 10,60,000, 10,60,000 उसके पास कैसे आया? 31 जनवरी को वो 60,000 रुपया डिविडेंड मिला और 1 फरवरी को उसको 10 लाख रुपया कैश मिला क्योंकि वो अपना शेयर बेच दी. टोटल 10,60,000 रुपया लेके वो क्या की? इन्वेस्ट कर दी. इन्वेस्ट किसमें की? केस ए हाउस प्रॉपर्टी.
फ्रॉम विच रेंट अक्रूड. अब उस हाउस प्रॉपर्टी से रेंट कितना आता है, 53,000 रुपीज. केस बी में क्या हुआ, केस ए में वो इन्वेस्टमेंट किसने की, हाउस प्रॉपर्टी में. अब आप देखिए इसमें, केस ए में अगर हाउस प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करती है, सबसे पहले यहाँ आता है कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स कितने का आएगा, 10 लाख रुपया में वो बेच दी 6 लाख का सिक्योरिटीज. तो व्हाट इज द कैपिटल गेन्स, 4 लाख रुपीज इज द कैपिटल गेन्स. और ये 4 लाख रुपया किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा ये 4 लाख रुपया, क्योंकि ये गिफ्ट का पैसा से, गिफ्ट का पैसा को ये बेच दी है, तो गिफ्ट पे मिला था शेयर्स. ओके, नाउ मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स, डिविडेंड मिला है नॉन डोमेस्टिक कंपनी से, किसको मिला है, मिसेस एक्स को. बट शेयर्स वो कभी किसके हाथ में होगा, मिस्टर एक्स के हाथ में, बिकॉज वो शेयर्स गिफ्ट में मिला था मिसेस एक्स को. ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 4 लाख रुपया का, वो भी आपको किसको मिलेगा, मिस्टर एक्स को, बिकॉज वो वाला पोर्शन भी उसी का ही जाएगा, मिस्टर एक्स के हाथ में जाएगा, क्लबिंग और डिविडेंड दोनों. नाउ हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें रेंट कितना दिया है, रेंट कितना आया है हाउस प्रॉपर्टी में, 53,000. यस मैम. नाउ अब ये रेंट का आपको हाउस प्रॉपर्टी वाला जैसे करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में जैसे आप कैलकुलेट करते थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी, जीएवी कितना है, 53,000. म्यूनिसिपल टैक्स कुछ नहीं है, म्यूनिसिपल टैक्स जीरो, तो आपका एनएवी कितना आएगा, 53,000. और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था, 30%. 53,000 का 30% कितना होगा, 15,900. तो व्हाट इज योर नेट हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, 37,100. एक मिनट, नाउ ये जो 37,100 है ना, इसके लिए आपका ये वाला प्रोविजन करना था, ये प्रोविजन छूट गया ना, एसेट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. यहाँ पे क्या है, इफ एसेट सो ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तब आपका टैक्स ट्रीटमेंट विल बी एज अंडर. आप इसमें कैसे टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, सपोज इट इज अ प्रोप्राइटरी बिजनेस, तो इनकम ऑफ सच बिजनेस by आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जितना आप इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, इनटू इनकम ऑफ बिजनेस, उसके डिवाइड रेट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इन बिजनेस इनटू वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑन फर्स्ट ईयर. प्रोपोर्शनेट जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उतना आपको उतना इनकम आपको क्लब करना पड़ेगा इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस. और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, जितना कैपिटल आपका था
उस कैपिटल के प्रोपोर्शनेट जितना एसेट्स है उतना एसेट्स आपको क्या करना पड़ेगा, उतना एसेट्स का आपको पार्टनरशिप में आपको क्लबिंग करना पड़ेगा। नाउ सी यहाँ पे क्या है, 37,100 ये जो इनकम आया है हाउस प्रॉपर्टी का, ये आया है किसमें, 10,60,000 से आया है। 10,60,000 को इन्वेस्ट करके ये हाउस प्रॉपर्टी लिया गया था और उसमें से ये 53,000 का इनकम आया है। दैट मीन्स इसका टैक्सेशन दोनों के हाथ में होगा, मिस्टर एक्स के हाथ में भी होगा और मिसेस एक्स के हाथ में भी होगा। नाउ मिस्टर एक्स का कितना पैसा था इसमें, मिस्टर एक्स का था 6 लाख रुपया और मिसेस एक्स का कितना था, 4 लाख रुपया कैपिटल गेन्स वाला पैसा और डिविडेंड जो लास्ट एग्जाम्पल में किए कि ये डिविडेंड में तो जाएगा ही, 6 लाख रुपया का जो मिसेस एक्स का पोर्शन है और बाकी मिस्टर एक्स का पोर्शन है। तो आप देखिए आज ये 60,000 रुपया मिस्टर एक्स के हाथ में जाएगा, कैपिटल गेन्स मिस्टर एक्स के हाथ में जाएगा, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी में दोनों को प्रोपोर्शनेट मिलेगा, मिस्टर एक्स को भी और मिसेस एक्स को भी। कितना मिलेगा, नाउ यू सी ये जो 6 लाख है 6 लाख डिवाइडेड बाय 10,60,000, दिस प्रोपोर्शन इज मिस्टर एक्स का प्रोपोर्शन और मिस्टर वाई का सॉरी मिसेस एक्स का प्रोपोर्शन कितना है, 4,60,000 डिवाइडेड बाय 10,60,000, ये प्रोपोर्शन मिस्टर वाई का मिसेस एक्स का प्रोपोर्शन है। तो हस्बैंड का प्रोपोर्शन कितना है, 6 लाख बाय 10,60,000 और वाइफ का प्रोपोर्शन कितना है, 4,60,000 डिवाइडेड बाय 10,60,000। अब आप इस प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करके इफ यू फाइंड आउट देन यू विल गेट। अब हाउस प्रॉपर्टी का कितना था, हाउस प्रॉपर्टी था आपका, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना था, 37,100। तो आप इस प्रोपोर्शन में 37,100 को डिवाइड कर दीजिए। 21,000 होता है मिस्टर एक्स को, 21,000 होता है, और मिसेस एक्स को 16,100। इतना में आप इस 37,100 को इस प्रोपोर्शन में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो उतना टैक्स जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में और उतना बाकी का जो टैक्स है इट विल गो टू मिसेस एक्स के हाथ में। ओके सी उसका केस बी में आपका वही लिखा हुआ है, न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एंड कंट्रीब्यूटेड इनिशियल कैपिटल, इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन सच कंट्रीब्यूशन वाज 13,250। तो आप 13,250 को इस प्रोपोर्शन में अगेन यू हैव टू डिवाइड, मिस्टर एक्स को आपको देना है 6 लाख, अल्टीमेटली ये कितना होता है 600 बाय 1060 मल्टीप्लाइड बाय जो आपका कैपिटल है 13,250, इस प्रोपोर्शन को आपको देना है मिस्टर एक्स को और मिसेस वाई एक्स को देगा 460 डिवाइडेड बाय 1060, इस प्रोपोर्शन में आपको देना है मिसेस एक्स को। और नेक्स्ट क्या है, न्यूली स्टार्टेड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 42,400, अगेन इन द सेम प्रोपोर्शन आपको डिवाइड करना है 42,400 को इन द प्रोपोर्शन रिलेटेड टू मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। दिस वे आपको इनकम डिवाइड करके उसका पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट टुमारो। मैम प्रॉफिट 20,000 को प्रोपोर्शनेट करना,
share of profit है ना 20,000, 20,000 जो आपका share of profit है वो प्रॉफिट आपको किसी में डिवाइड नहीं करना है, जो इसका जो मतलब एक्यूमुलेटेड जो था, जैसे न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंप्यूटेड इनिशियल कैपिटल, कैपिटल दिया उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना है, नॉट द शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट जो लिखा है वो इसका मतलब शी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस, वो प्रॉफिट उसी का है पूरा. जो डिवाइड होगा दैट द डिविजन विल बी बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट इन द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का डिविजन होगा. इसका मतलब मैम 13,250 का ऊपर जो है वो प्रोपोर्शनेटली मतलब दे देना पड़ेगा उन लोग. आपको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट, और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट. पार्टनरशिप बिजनेस में सिर्फ आपका इंटरेस्ट वाला पोर्शन डिवाइड होगा और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट डिवाइड होगा. कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्लबिंग, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ओके थैंक यू. गुड इवनिंग सर. सो यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग. आप लोगों ने घर में जाके पढ़ा है? यस, समझ में आया मार्जिनल कॉस्टिंग कैसा है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग आपका सीएमए में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको एट एनी कॉस्ट एवरीबॉडी शुड अटेंड दोस क्वेश्चंस, यू कैन नॉट एस्केप. एंड ये इतना इजी है कि आपको आप छोड़ भी नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई आपको मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है. मैंने कल आपको बताया था सेल्स इज इक्वल टू
सेल्स इज इक्वल टू हमने वेरिएबल प्लस कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल and contribution is equal to fixed plus profit fixed cost plus profit abhi ye dekhiye yesterday I was telling you about pv ratio pv ratio kya hai it is known as profit volume ratio so as the name suggests this is one type of ratio we are using in मार्जिनल कॉस्टिंग इसमें कुछ नहीं है दो वर्ड है एक है प्रॉफिट एक है वॉल्यूम जनरली हमारा वॉल्यूम बोलने से वी कॉल इट इज सेल्स एंड प्रॉफिट बोलने से सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज एनीवे वी आर गोइंग टू पियर सो दिस विल रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सो दिस रेशियो is a relationship between sales and contribution that is otherwise I can say contribution as a percentage of sales or contribution as a ratio of sales this is known as PV ratio very simple Whenever you come across with PV ratio, that means PV ratio is equal to P is equal to contribution and S is equal to sales. So contribution by sales into 100 will give you percentage, or if you write directly, it will become ratio. यही formula है. PV ratio is equal to C by S. Very simple. आपको अगर PV ratio पता है, C पता है, S also you can find out. Simple or difficult? एक छोटा सा example मैं देता हूँ. S is equal to 20 rupees and PV ratio is equal to 25% C kitna hai boliye quick 1 minute mera selling price 20 rupees hai aur mujhe diya gaya hai pv ratio is 25% what is my contribution 80 yes. 20 रुपीज सेल्स में आपको 80 रुपीज कंट्रीब्यूशन मिल रहा है बढ़िया बहुत बढ़िया आप सेल्स करते हैं 20 रुपीज में आपको 80 रुपया वहां से कहां मिलता है मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है सब 10 दिन में फेंका है किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा है एनीवे जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन क्या है माई सेल इज 20 रुपीज पीवी रेशियो इज इक्वल टू 25% पीवी रेशियो क्या है पीवी रेशियो अभी अभी मैं बताया कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज इक्वल टू 25/100 25% इज इक्वल टू 25/100 तो सेल्स इज इक्वल कितना सेल्स 20 रुपीज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल कितना सर 5 रुपीस हाउ मच 5 5 रुपीस
5 rupees कैसे मिला? सर 25% ऑफ 20 rupees. 20 into 25%. Simple, very simple. Why all people who are attending the classes better don't come to class tomorrow onwards. इतना सा छोटा सा चीज आप कॉस्टिंग कर रहे हो, इतना बार बार समझा रहा हूँ. किसी ने बोलता है 80 रुपए, किसी ने बोलता है 0.3. क्या दिमाग कहाँ जा रहा है? छोटा सा चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीवी रेशियो इज ए इंडिकेटर ऑफ कंट्रीब्यूशन परसेंटेज. पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन परसेंटेज. अगर सेल्स अगर मेरा 20 रुपया है, उसका 25% इज कंट्रीब्यूशन. इतना मेरे बोलने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू टेल व्हाट इज कंट्रीब्यूशन. अभी वो लोग कंट्रीब्यूशन कितना है? एवरीबॉडी 5 rupees. सुमंदर तो पहले बोला था 5. बाकी स्टूडेंट्स सर 100 इनटू कर दिया था. इस 100 इनटू नहीं सर 100 इनटू कर दिया था इसलिए रॉन्ग निकला था. 100 कैसे इनटू कर देगा? किसमें इनटू करेगा? 100 कहाँ से आ गया? आई डिड नॉट से 100. मैंने बोला, मेरा क्वेश्चन देखिए ना, सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 25%, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? इसमें 100 कहाँ से आ गया? Where did you get 100? Contribution is 25% of sales. Very simple. मैंने आपको रिलेशन बोलेगा. Contribution वाले परसेंटेज ऑफ सेल्स 25% दिया है. अगर 100% सेल्स होता है, 100% 20 होने से 25% कितना होगा? और 20 का 25% कितना है? Very simple. अगर परसेंटेज कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो व्हाई आर यू डूइंग कॉस्टिंग? क्लास 8 में जाके पढ़िए, डोंट कम टू कॉस्टिंग क्लास इफ यू कैनॉट फाइंड आउट परसेंटेज. ये हम कॉस्टिंग सीएमए में आपको परसेंटेज सिखाएंगे क्या? बोलिए, इफ आई हैव टू टीच परसेंटेज देन बेटर यू फाइंड ए क्लास 8 टीचर. आपका 20 रुपया का 25% कितना है ये भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा. चलिए, सो मैंने पीवी रेशियो बताया. पीवी रेशियो क्या है? समझ गए? टेल मी, दिस इज कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स. अगर परसेंटेज में करना है तो 100 मल्टीप्लाई करिए. और ये कैन बी सिंपल रेशियो. इफ इट इज पीवी रेशियो इज 1/4, दैट आल्सो मींस से दैट इट इज 25%. इट कैन बी आइदर इन रेशियो और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दिस इज रेशियो एंड दिस इज परसेंटेज. एनीवे इट कैन बी एक्सप्रेस. तो पीवी रेशियो इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिससे मैं मुझे कंट्रीब्यूशन, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट तीनों का बारे में मुझे आइडिया मिलता है. कैसे आइडिया मिलता है? आप देखिए, इफ सेल्स इज इक्वल टू 100, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इज इक्वल टू 25%. Then what is variable cost percentage? 75. Yes. So आपको अगर दिया गया है, if your question says PV ratio is 30%, then variable cost ratio कितना है?
70. Yes, 70. Very good. So similarly, when you are knowing PB ratio is 30%, immediately you will find variable cost percentage will be 100 minus PB ratio percentage. So source 30 jane se 70 will be variable cost. This is what you have to immediately calculate. So if variable cost percentage is equal to 42%, PB ratio is equal to how much? Somebody can tell me. Kitna hai? Boliye. Agar variable cost percentage is 42%, what is PB ratio? Yes. क्या हुआ? Anybody can tell me the answer? आप ये पिछले यहाँ पे बता दिया था, अगर PV ratio is 30%, then variable percent is 70%. मैं पूछ रहा हूँ, अगर variable percent आपको यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे variable percent दिया है, PV ratio निकालना है. क्या करना है? 58. Who told 58? कैसे हुआ 58? बोलिए, how did you get 58? 100 minus 42. 100 minus 42. Are you confident? No, sir, I am not sure. Oh, then you are not sure. Why you are not sure? मैंने आपको बताया कि variable cost plus contribution is equal to sales. If sales is 100, then variable cost is 42, then contribution kitna hoga? It is 58. So why you are not confident? Aapko agar ek bhi information diya hai, these two, then you can find out the third one. Yehi aapko bataya gaya tha abhi. So similarly, if you are given another question, if variable cost, if PB ratio is equal to 0.4 of sales, sale price rupees 10. What is variable cost? Let me know the answer. And 9.6, sir. Wow. Very good. Kitna bola? 9.6. How did you do that? 10 minus 0.4. What is the given you? PB ratio is 0.4 of sale price 10. 0.4 of 10 kitna hai? PB ratio is 0.4 of 10 rupees. Of is meaning multiplication. आपका 10 का अगर 10 से 0.4 और multiply करेंगे कितना मिलेगा?
सर 4 रुपीज। सो आपका कंट्रीब्यूशन इज 4 रुपीज, आपका सेल प्राइस इज 10 रुपीज, सो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? 6 रुपीज। 6 रुपीज। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग 40%, इट इज गिविंग 0.4। सो हियर ऑल्सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 40%, बट यू टू ओनली 0.4। हियर इटसेल्फ यू हैव डन मिस्टेक। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड योर क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। इट इज नॉट सो इजी एज यू थिंक। पीपी रेशियो विल बी 0.4 ऑफ क्यों देखा है? मैं तो लिख देता था पीपी रेशियो इज इक्वल टू 0.40, देन यू कुड हैव टोल्ड योर आंसर इज करेक्ट। बट पीपी रेशियो बोलता है सेल का 0.4 है, जितना भी सेल है उसी का 0.4 है। सो सेल इज 10, 10 का 0.4 इज 4। समझा? अंडरस्टूड? So this is how you will get questions in exam. This is how you have to answer. It will give you 1 mark. Immediately you will get 1 mark. So ये आपको ऐसा question आपको आएगा. Now जैसे मैं अभी आपको बताया, our very important is contribution. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। इतना समझ में आया है? मेरे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, मेरे पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट है, ठीक है। मेरा दोनों का सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10 रुपया है, इसका 12 रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 7 रुपया है, यहाँ पे 8 रुपया है। तो कंट्रीब्यूशन मेरे को यहाँ पे 3 रुपया मिला है, यहाँ पे 4 रुपया मिला है। अभी आप बताइए मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, व्हिच इज बेटर? बोलो। बी। ए और बी? यस। बोलिए व्हिच इज बेटर। व्हाट हैपेंड? ए बेटर है या बी बेटर है? बी बेटर है। दैट मींस यू आर टेलिंग दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2। व्हाई? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बी इज बेटर। मोर कंट्रीब्यूशन तो मोर प्रॉफिटेबिलिटी। यस, व्हेनेवर आई एम सेलिंग 1 यूनिट ऑफ बी इट गिव्स मी 4 रुपीस टुवर्ड्स माय प्रॉफिट। And if I sell 1 unit of A, it gives me only 3 rupees. So I am getting more contribution in B. Right? Now, it is a general perception. Suppose मैं आपको थोड़ा और ज्यादा information दे रहा हूँ। I am giving you little more information कि ये जो A item है, उसमें आवर्स टेकन इज 1 आवर, इधर 2 आवर्स। मेरा पास लेबर फोर्स लिमिटेड है, लेबर्स इज लिमिटेड, मेरा पास कम आदमी है। जो आदमी है वो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, लेकिन एक यूनिट ए करने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है,
और एक यूनिट बी करने के लिए मुझे 2 घंटा लगता है। अभी मेरा पास एक समस्या है, आप बताइए वो कौन सा करने से मुझे ज्यादा फायदा होगा। मेरे पास और एक कंडीशन आ गया है कि आवर्स इज लिमिटेड, मींस मेरे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है, एक ही आदमी बनाता है जिसको मैं आइदर ए में कराऊंगा नहीं तो बी में कराऊंगा। तो ए में अगर करेगा वो एक घंटा में, ये एक यूनिट में एक यूनिट बनाने के लिए एक घंटा लेगा। तो नाउ आई विल फाइंड आउट समथिंग कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पर आवर। ये क्या किया है, 3 रुपया कंट्रीब्यूशन मिला एक घंटा काम करके, सो ये 3 रुपये मिला है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 रुपया कंट्रीब्यूशन मिला, लेकिन इसके लिए मुझे 2 घंटा काम करना पड़ेगा, सो पर आवर इट इज 2 रुपीज कंट्रीब्यूशन पर आवर। मुझे यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया, यहाँ पे सिंपल कंट्रीब्यूशन में बी वॉज टॉपर, बट वेन आई एम टेकिंग कंट्रीब्यूशन पर आवर, वेन आवर इज ए लिमिटिंग फैक्टर, remember you will be having some decisions when you have some scarce materials, those scarce materials या scarce labors को use करके मैं अगर product बनाता हूँ तो I should know what is my contribution for limiting factor. This is very important for you, you may get some posting also, what is contribution for limiting factor। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर, सो लेबर आवर इज की फैक्टर फॉर मी, दिस 1 and 2 hours दैट आई हैव टू डिवाइड विथ कंट्रीब्यूशन पर आवर, कंट्रीब्यूशन देन आई विल गेट कंट्रीब्यूशन पर आवर। सो नाउ यू से व्हिच इज बेटर, A is better. If labor is limiting factor, even though I get 3 rupees only, but contribution per hour is 3 rupees here. So this helps me in deciding which one I should do with priority. So यहाँ पे ranking change हो जाएगा. This will be 1, this will be 2. This is how you should remember contribution per limiting factor. Contribution per limiting factor. This is one of your important subject. Many questions will come from this limiting factor. If you see, I have given you 2 questions, 2 or 3 questions, something I have given to you. I have given you 1 question. You see your WhatsApp. Usme June 2009 का एक क्वेश्चन है, 2009 जून में आया था एक क्वेश्चन, somebody can read the question if you have in your WhatsApp. ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, yes somebody please read out, पढ़ पाएगा कि नहीं, how many students are there? I am not getting any response from any students. Are they really present or just I am seeing only the names? I will take Sunil. Yes. New India Engineering Company Limited produces 3 components A, B, and C. The following particulars are provided: per unit rupees, sale price 60, 55, 50, direct material 20, 18, 15, direct labor 15, 14, 12, variable overhead expenditure 13, 17. Fixed cost is rupees 1 lakh per year. Estimated sales in number of 2000.
machine hours. In hours per unit 6, 2 and 1. Due to breakdown one of the machines, the capacity is limited to 12,000 machines hours only, and this is not sufficient to meet the total sales demand. You are required to work out what will be most profitable product mix that should be produced and the total contribution from the revised product mix. Yes. Now the question tells you that we have a limiting factor as machine hours, because the machine hours, there is a breakdown. So we do not have sufficient machine hours to produce all the items as per demand. So in this scenario, our job is to first produce that component where contribution per machine hour is highest. So for that, we will first find out what is the contribution for each component. Our company is producing three components, A, B and C. First we see the selling price per unit. It is given A is 60 rupees, B is 55 rupees and C is 50 rupees. Now they say we deduct all the variable cost. Less variable cost. Variable cost में क्या क्या दिया है? आपको दिया है direct material. Direct material is 20 rupees. Then direct material 20, 18, 15. Next is given is direct labor. Direct labor given is 15, 14, 12. 15, 14, 12. Next given is variable overheads. This is also variable. So variable overheads given 13, 14, 17. 13, 13, 17. So my total variable cost, I can calculate. This comes to 48 here in A. And B, it comes to how much? 45 and C it is 44. Now I deduct this from sale price, I get contribution. Contribution per unit, this is what I get first. So 60 minus 48 is 12 rupees, 55 minus 45 is 10 rupees, and 50 minus 44, this is 6. All things are in rupee. Okay. Now, the question tells, for making one unit, I need machine hours. Machine hours per unit. हमको दिया गया है question में. 6, 2, and 1. 6, 2, and 1. So now I will find out, my next step is to find out contribution per machine hours. That means 12 rupees contribution I am getting in 6 hours. So in 1 hour, what is my contribution? 2. 2. And here it will be 5. And here it will be 6. Now you tell me, if we rank, which one will rank first? Which component will be ranked? C. Yes, so C is ranked first. C will be ranked first. Then will rank B as second one. And C will be third one, because third one is giving only 2 rupees contribution. When I am doing this ranking, then I am comfortable to decide which to produce first. First I will produce C. Maximum demand of C I will meet, because in 1 hour I am getting 6 rupees contribution. Because my machine hour is limited, if I am able to produce maximum C, then I am able to meet the demand. So what I will do? I will do production first. Like, You know what is my maximum demand? I write here maximum demand so that
मैक्सिमम डिमांड मार्केट में क्या है इसके लिए 2000 यूनिट्स है, 2000 यूनिट्स ए, बी के लिए भी 2000 है एंड सी के लिए भी 2000 है. दैट मीन्स मैक्सिमम 2000 यूनिट आई कैन प्रोड्यूस ए बी एंड सी. सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट प्रोड्यूस, मेरे पास कितना आवर्स है, हाउ मेनी आवर्स आई हैव, आई हैव टोटल आवर्स मशीन का 12000 है, 12000 आवर्स. क्वेश्चन में दिया है, कहां लिखा है, ड्यू टू ब्रेक डाउन वन ऑफ माई मशीन द कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 12000 मशीन आवर्स. सो मैं इतना आवर्स का अंदर ही मेरा सारे प्रोडक्शन जितना पॉसिबल करूंगा. ओके, फर्स्ट आई एम सिलेक्टिंग सी. सी का डिमांड कितना है, 2000 अगर मैं बनाऊंगा मुझे कितना आवर्स चाहिए, यहाँ पे एक एक बनाने के लिए एक घंटा चाहिए, तो 2000 बनाने के लिए मुझे हाउ मेनी आवर्स चाहिए, 2000 आवर्स. ओके, आवर्स चला गया, बाकी रहा कितना, बाकी अभी नेक्स्ट करूंगा बी करूंगा. बी में देखिए, बी अगर 2000 करूंगा, बी का एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा चाहिए, सो ये 4 घंटा लगेगा, 4 + 2 मेरा 6000 चला गया है, 12000 से 6000 देन से रिमेनिंग 8000 यूनिट बचा है. इस 8000 यूनिट में, 8000 आवर्स में मेरे को कितना यूनिट ए बना सकता है, हम उतना ही बनाएगा, कितना बनाएगा, सॉरी बैलेंस कितना हमारा 12 से 6 रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 6 रहेगा. आवर्स रिमेनिंग, सो ए कितना करेगा मेरे को, 6000 आवर्स डिवाइडेड बाई, मैं 6 घंटा लेता हूं, दैट मीन्स आई विल मेक ओनली 1000 यूनिट्स. तो अभी यूनिट्स प्रोड्यूस आई कैन राइट हियर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ए विल बी हाउ मच, 1000 यूनिट्स, बी 2000 एंड सी 2000. अगर मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, मुझे पर यूनिट यहाँ पे 12 मिलता है, यहाँ पे 10 मिलता है, यहाँ पे 6 मिलता है, तो 12 × 1000 विल बी 12000 कंट्रीब्यूशन, 10 × 2 विल बी 20000 कंट्रीब्यूशन एंड 6 × 2 विल बी 12000 कंट्रीब्यूशन. तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन का कितना होगा, will be how much, this plus this plus this all together 26000. How it is 26000, 12 plus 12 24 plus 20 44000, it is 44000 rupees contribution. So question mein pucha hai the total contribution from the revised product mix. So you can say the total contribution from revised product mix is 44000. What? 44000 हुआ कि नहीं? 12000 plus 20000 plus 12000. 24000 plus 20. 44000. ये this is one of the example. देखिए आपको सिर्फ 5 minutes लगता है. This is how much mark? This is 10 marks. आपको 10 मार्क एक रैंकिंग करने के लिए, ये मिक्स बनाने के लिए दिस इज 5 मार्क्स एंड ये 44000 बनाने के लिए 5 मार्क्स, इतना इजी. देखिए 10 मार्क आपको 5 मिनट में मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है. समझ में आया कि नहीं, बोलो. यस सर.
सो आई हैव गिवन यू वन मोर प्रॉब्लम सिमिलरली छोटा सा प्रॉब्लम दिया है आप समझ में ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट समबडी कैन रीड द प्रॉब्लम 2009 दिसंबर में आया था एक क्वेश्चन Yes, please. Somebody please read. Sir, a company produces a single product. The selling price of the product is ₹69.50 per ton. The variable cost is ₹35.50 per ton. Fixed cost for the period is ₹18.02 lakh. Calculate the break-even volume. And if the break-even volume represents 40% of the capacity of the plant, what will be the profit at 80% capacity? If there is a reduction in sale price by 10% for additional 20% production and reduction by 15% for the next additional 20% production. Very simple problem. ये देखिए सेलिंग प्राइस इज ₹69.50 पर टन एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹35.5 पर टन एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन ₹18.02 लाख पर फॉर द पीरियड पीरियड क्या बताया नहीं कोई कुछ भी हो सकता है पीरियड कैन बी एनीथिंग एनी मंथ और ईयर वी आर नॉट बदर्ड अबाउट दैट अभी आपको ये तीन इंफॉर्मेशन मिला है क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट थिंग कैलकुलेट द ब्रेक इवन वैल्यू ब्रेक इवन वैल्यू मैंने कल आपको बताया था वैल्यू मींस योर यूनिट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ब्रेक इवन वैल्यू इज इक्वल टू एफ बाय पीवी रेशियो और वी कैन से फिक्स्ड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको फिक्स कॉस्ट मालूम है माय फिक्स कॉस्ट इज 18,02,000 अगर एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है 69.5 इज सेल वेरिएबल कॉस्ट इज 35.50 तो माय कंट्रीब्यूशन विल बी पर यूनिट विल बी 34 रुपीज So this divided by 34 will give me units. How much units I will get? कितना मिलेगा units? Divide कर दीजिए. 53,000. How much? 53,000. So मेरे को देखिए, this is units. Or if I convert that into rupee. It will be 53,000. इतना को सेलिंग करने के लिए हमको 69.50 पर यूनिट दैट विल बी गिविंग यू द रूपी दैट इज 36,83,500 दिस इज द ब्रेक इवन वॉल्यूम इन यूनिट्स इट इज 53,000 इन रुपीज इट इज रुपीज 36,83,500 अगर मैं मेरा ये इतना सेल करूंगा तो देयर इज नो प्रॉफिट नो सेल्स ये समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट और एनी डाउट बोलो कुछ डाउट है नो सर सो आई विल मूव फर्दर नाउ द सेकंड पार्ट इट सेज If the break-even value represents 40% of the capacity of the plant, that means this 53,000 units, this is equal to 40%. Plant ka 40% mein, aapka break-even point chal raha hai. That means at 40%, if it is 53,000 units, further question says, what will be the profit at 80% capacity? Okay, so now the question says, at 80% capacity, what is the profit? देखिए आपको एक चीज इसमें मार्जिनल कॉस्ट में ऑलवेज ध्यान में रखना पड़ेगा दिस फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड
within 100% capacity unless and otherwise specifically given in the problem. Generally understanding that my fixed cost will be always fixed in any operation. Like at 40% my fixed cost is 18 lakhs, at 100% my fixed cost also will be 18 lakhs. It will not change. ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा. मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट विल बी फिक्स्ड एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज एज पर द वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा. सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बट फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट अंडरगो एनी चेंजेस. दैट इज द थंब रूल. सो क्वेश्चन सेज सेल्स अगर मेरा बढ़ जाएगा तो 80% में मेरा सेल्स कितना होगा, सेल्स यूनिट्स कितना होगा, मेरा 40% में सेल्स इज 53,000, 80% में उसका डबल हो जाएगा ठीक नहीं. तो सेल्स विल बी 53,000 इंटू 80/40. 40 के में डिवाइड करके अगर 80 में मल्टीप्लाई करेगा इट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई विद 2. तो दिस बिकम्स 1,06,000 यूनिट्स. दैट मींस हाउ मच प्रॉफिट आई विल मेक इफ आई सेल 1,06,000 यूनिट्स. ये मेरा क्वेश्चन है. आप देखिए कंट्रीब्यूशन मेरे को मिलता है 34 रुपीस. सो 1,06,000 में कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 1,06,000 इंटू 34 मल्टीप्लाई करिए. How much? 3604000. 106000 into 34. 3604000. ठीक है. इसमें अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दिया 18,02,000. This is my profit. ₹18,02,000. My profit is almost double here. ठीक है. So profit at 80% capacity will be 18,02,000. Now question आगे बढ़ता है. बट यहाँ पे इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होना था. मैं आपको आगे बता देता हूँ. देखिए माई कॉन्ट्रीब्यूशन देर इज ए सेलिंग प्राइस, देर इज ए सेल प्राइस रिडक्शन आठ 80%. Question is telling there is a sale price reduction by 10%. मेरा selling price 10% घट जाएगा. मेरा selling price कितना है, my selling price is 69.50 minus 10%. That means 69.5 minus 6.95. तो माय रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना होगा, माय रिवाइज सेलिंग प्राइस विल बी 69.5 माइनस 6.95, इट विल बी 62.55. देखिए सिचुएशन चेंज हो रहा है इधर.
this 40% hike, it is divided into two groups, 20%, first 20% and second 20%. दो भाग में दिया गया है. क्वेश्चन बोलता है इफ देयर इज अ रिडक्शन इन सेल प्राइस बाय 10% फॉर एडिशनल 20% प्रोडक्शन एंड रिडक्शन बाय 15% फॉर नेक्स्ट एडिशनल 20%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट. सो यहां पे दो सिनेरियो है. पहला 20% के लिए क्या है ना, ये 20% विल बी 26500 यूनिट्स और ये भी हो गया 26,500 यूनिट्स. ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, there is a reduction in sale price by 10% for additional 20% production. ठीक है, so first sale price will be जो हमने हिसाब किया 62.55 इधर and 15% for the next 20%. तो 15% अगर करेंगे कितना होगा, 69.5 × 0.85 हुआ, 15% माइनस कर दीजिए, कितना हुआ बोलिए, 20% के लिए देयर विल बी 15% रिडक्शन फ्रॉम द सेलिंग प्राइस. तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, yes anybody done, hello koi hai ki nahi, aur main khud pad raha hu. Yes, प्रतिक्रिया 69.5 का अगर 15% रिडक्शन होगा प्राइस कितना होगा, 59.08 मेरा निकला है. एनीवे नो प्रॉब्लम. सो ये हो गया मेरा रिवाइज प्राइस. बाकी सब मालूम है आपको, वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम है. वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, इट इज 3550. ऑलरेडी इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन वेरिएबल कॉस्ट इज 3550. सो इसमें 3550 हो गया. नाउ यू विल गेट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मिला है मुझे, कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा इसमें, 27.05. और दूसरा दूसरा 20% में कितना मिलेगा, 23.575. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टोटल. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 26,500 × 27.05 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है बोलिए, 26,500 × 27.05
कितना हुआ? 7,16,825. ओके, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 20% नेक्स्ट 20% कितना होगा? तो मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिला? आज 80% नाउ आई नो. पहला 40% में कंट्रीब्यूशन कितना मिला था? अब देखिए 40% में आई गॉट ए कंट्रीब्यूशन में कितना मिला था मुझे? ये मिला था 1802. हाँ 53,000 ये मिला था ना, 3683 मिला था सेलिंग प्राइस. ये मिला था, कैलकुलेट कर लेंगे. At 40% my contribution was 3,60,000. contribution मुझे per event कितना मिल रहा था? 34 ना, 34 into 53,000 34 मिल रहा था ना कंट्रीब्यूशन. यहाँ पे आई वॉज गेटिंग कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिट 34. आई एम प्रोड्यूसिंग 53,000 यूनिट्स. सो ये मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा? 34 इंटू 53,600 18,22,400. सर इट इज 53,000. यू आर नॉट चेकिंग, जस्ट फॉलोइंग मी. 53,000 इंटू 34 18,02,000. देन 20% में हमारा कंट्रीब्यूशन मिलेगा 7,16,825. बैलेंस 20% में हमको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6,41,737. सो मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा आप 80% तीनों मिला दीजिए. तीनों मिला दीजिए कितना हो रहा है? 18,02,000 प्लस 7,16,825 प्लस 6,41,737. 31,60,562. ठीक है, इसमें मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन से क्या डिडक्ट करेगा? लेस फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 18,02,000. सो व्हाट इज माय प्रॉफिट? माइनस 60,562 minus 18,02,000. Profit कितना हुआ? 13,58,562. 58,562. So this is my profit at 80%. यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्वेश्चन अलग अलग करके दिया था बोल के हमको तीन स्टेजेस में कितना कंट्रीब्यूशन मिला है. कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को जितना कंट्रीब्यूशन मिला फ्रॉम दैट
आई डिडक्ट माय फिक्स्ड कॉस्ट. पहले 40% में भी इतना फिक्स्ड कॉस्ट था, 80% में भी इतना फिक्स्ड कॉस्ट हुआ है, सो रिमेनिंग इज माय प्रॉफिट. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको घर में एक बार प्रैक्टिस करिए दोनों प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्लास में आपका स्टडी मटेरियल से हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे. समझ में आया जो दो दो प्रॉब्लम करवाया? यस सर. एक बार चेक करिए आपका कैलकुलेशन सब सही है कि गलत है, करके मुझे व्हाट्सएप में भेजिए इसका आंसर. ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम का आंसर सब लोग करके मुझे व्हाट्सएप में भेजिए. डोंट सेंड इन द ग्रुप, सेंड टू माय व्हाट्सएप अकाउंट. ओके देन, बाय बाय. बाय सर.
Shall we start? Shall I? Yes, sir. Yes. We are doing what we are doing. Yeah, okay. Line are. Okay. Partnership accounts, right? So we are doing partnership accounts. मेरा कर्सिव राइटिंग है ना, तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुडविल, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, नेक्स्ट रिजर्व्स, राइट. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस if goodwill was given. So problem number 8, goodwill given and it was withdrawn and creditors paid at discount. ठीक है. So come to problem number 8. Problem number 8, अगर एग्जामिनर ने सोचता कि इस बार पेपर को लंबा देना है, बहुत लंबा देना है, तो ऐसे प्रॉब्लम को चूज कर लेता. पेपर वाज इजी बट लेंथी. पेपर वाज इजी, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, लेकिन लेंथी होगा. तो जब सोचते हैं ना, वो ऐसे प्रॉब्लम को चुन. ठीक है. सो कम टू प्रॉब्लम नंबर 8, पेज नंबर 288. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 8. स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज योर जर्नल एंट्रीज. इसके बाद पोर्शन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड रिजर्व्स विथड्रॉन. मतलब कुछ पोर्शन है प्रीमियम एंड गुडविल को विथड्रॉ किया था. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स. जब पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स को पे कर रहा था, उस टाइम में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल गया. वो क्या होगा? हमारे लिए इनकम होगा यूजुअली, है कि नहीं? क्या होगा? इनकम होगा. ठीक है. So let us start problem. Brick, sand and cement were sharing, were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. ठीक है. कितना? 3:2:1 respectively. Following is their balance sheet. Balance sheet दिया हुआ है. क्या क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार. Land and buildings 50,000, furniture, stock, bills receivable, debtors and cash in hand and cash at bank. ठीक है. Next there are capital accounts were given. Then there are reserves. What we will do for reserves? Reserves को क्या करना है? Distribute कर. देख लेते हैं. फिर इसके बाद creditors. Next bills payable. ठीक है. Lang is to be admitted as a partner with effect from 1st January 2013. तो 1st January 2013 से 1st January 2013 से who is admitting? Lang was admitting. ठीक है. तो Lang is admitting. First three partners था, their profit sharing ratio is 3:2:1. Now Lang is admitting for 1/6 share. ठीक है. First step is, जब भी एक admission हो रहा था, तो फर्स्ट स्टेप इज, जब भी एक एडमिशन हो रहा था, फर्स्ट स्टेप इज योर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस. तो फर्स्ट वन इज न्यू रेशियो,
फिर इसके बाद ओल्ड रेशियो एंड व्हाट इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जब भी एक एडमिशन हो रहा था, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू सी इज व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज योर न्यू रेशियो, सेकंड वन इज योर ओल्ड रेशियो एंड थर्ड वन इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड थिंग इज ऑलवेज जब भी एक पार्टनर एडमिट हो रहा था वो फेयर मैनर में होना चाहिए. मतलब उसका जो भी गुडविल होता, पहले फर्म का भी कुछ गुडविल होता, उनका भी खुद का गुडविल होता, जो भी हो, लेकिन फेयर मैनर में उसका एडमिशन होना चाहिए. मतलब उसका जो भी एज ऑन डेट, जब भी उन्होंने आ रहा था, जब भी उन्होंने एडमिट कर रहा था, उस टाइम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस. सो यू हैव टू वैल्यू योर गुडविल इफ अवेलेबल. थर्ड स्टेप, यू हैव टू प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट. थर्ड स्टेप इज रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ देर इज एनी प्रॉफिट और लॉस. इफ देर इज एनी प्रॉफिट और लॉस इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, इसके बाद चौथा क्या करना है, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एज ऑन डेट. ठीक है, सो वी विल गो अहेड. नाउ व्हाट हैपेंड, लाइन इज टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2013 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. लाइन विल बी ब्रिंग इन 15,000 एज कैपिटल. सो अभी कितना ला रहा था टुवर्ड्स हिज कैपिटल, हाउ मच ही इज ब्रिंगिंग, 15,000 he is bringing. Next, and 12,000 as a premium for goodwill. So goodwill ke liye iska share of premium. So he is bringing 12,000 as his goodwill. ठीक है, किसका ये line share. ठीक है, next half of the premium will be withdrawn by the partners. इसमें क्या बोल रहा था, ये जो 12,000 है इसमें से हाफ विल बी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. हाफ विल बी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. किस कौन सी पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर्स. नाउ नेक्स्ट, लाइन विल बी एंटाइटल टू 1/6 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. सो इनको कितना दे दिया, 1/6 शेयर. Now, the assets will be revalued as follows. Land and building is 56,000. So, पहले देख लिया ना, land and building कितना था, 50,000 था. So, now it became 56,000, which means land and building was appreciated by how much? 6,000. First, land and building was 50,000. Now, it became 56,000. So, that the value appreciated is 6,000. Next, furniture 12,000. Earlier furniture was 15,000, but now furniture is 12,000, which means minus 3,000. So 3,000 was loss. Stock 16,000. Earlier stock was 20,000. So now it was happened minus 4,000. Next, debtors is 7,000. Earlier debtors were 7,500. So minus 500. ठीक है, so कितना आ गया यहाँ पे, वो revaluation account में देख लेते हैं. The claim of a creditor for 2,300 is paid at 2,000. So यहाँ पे creditors कितना दिख रहा था, 6,200 दिख रहा था. Total 6,200. इसमें से एक आदमी को देना है हम 2,300 देना चाहिए था. ठीक है, सो 2,300 देना था, लेकिन हमने क्या किया, 2,000 में उसको सेटल किया था. तो ये क्या है सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, मान लो 6,200 हमने डिवाइड कर लेते हैं, तो मिस्टर ए को देना है हम 2,300, मिस्टर बी को देना है 1,900, मिस्टर सी को देना है
2000. So कितना हो गया यहाँ पे मार्क, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. सो 6200 इज माई टोटल क्रेडिट आज बैलेंस. लेकिन मिस्टर ए के पास हम गया था, मिस्टर ए के पास जाके हमने बोला भाई थोड़ा देख लो एक बार, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपको जो 2300 दे रहे हैं ना उसको सेटलमेंट कैसे करेंगे. उन्होंने बोला कि आपको ओनली 2000 दे दो मुझे, वो जो 300 है ना हम राइट ऑफ कर लेते हैं, वो 300 जो भी 300 है ना वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, जैसे आपका इनकम हो सकता है. ठीक है, सो इट कुड बी योर इनकम. एंड नेक्स्ट, हाफ ऑफ द रिजर्व्स टू बी विथड्रॉन बाय पार्टनर्स. सो यहाँ पे और क्या पूछा, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड शो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. सो क्या करना है, अभी न्यू फर्म का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एंड आपका अकाउंट जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है. जर्नल एंट्रीज लिखना है, इसके बाद आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, और कुछ डाउट है इसमें, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं है? इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, दिस इज जस्ट ए प्रोसीजर हाउ टू डू एडमिशन. ठीक है, दिस इज जस्ट ए प्रोसीजर. तो पहले क्या दिया, पहले एक आदमी आ रहा था, तीन पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. नाउ ए पार्टनर वॉज एडमिटिंग बाय गिविंग ए कैपिटल ऑफ 15,000 एंड ही इज ब्रिंगिंग ए गुडविल ऑफ 12,000. ठीक है, इस 12,000 को हम क्या करेंगे, इस 12,000 को हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर को हम दे देते हैं, बिकॉज हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी शेयर्ड बाय किसके, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स जो भी है. इन विच रेशियो गुडविल विल बी शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशियो, कैन एनीबॉडी टेल? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड. सो जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ना, उनको जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो दैट इज वी आर गिविंग द गुडविल फॉर देम इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट, इसको देने के बाद उन्होंने क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ द प्रीमियम विल बी विथड्रॉन. मतलब यहाँ पे 12,000 बन रहे हैं ना, इस 12,000 में से उन्होंने 6,000 को विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, विच मीन्स कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट, और क्या क्या दिया था, हाँ, फिर इसके बाद रिवैल्यू किया था उनके असेट्स एंड लायबिलिटीज को. तो उनका असेट्स में से थोड़ा फर्नीचर घट गया और स्टॉक भी थोड़ा कम हो गया और उसका डेटास भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसका बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग तो थोड़ा सा अप्रिशिएट हो गया. सो वी विल प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट सो दैट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस वी आर डिराइविंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन. उन्होंने रिवैल्यू किया था, वो रिवैल्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आते हैं उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे रिवैल्यू करने के बाद. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, नॉट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ये करेंगे, इसके पास कुछ रिजर्व्स थे, लेकिन वो रिजर्व्स अभी क्या करने, हम वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को हमने ओल्ड रेशियो में वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स. रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और एक पॉइंट बोला कि हाफ ऑफ द रिजर्व्स विल बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. इन्होंने क्या किया, हाफ ऑफ द रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स उनको बांट लिया ना, उसमें से थोड़ा हाफ को उन्होंने लेके गया था. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को, फटाफट करेंगे थोड़ा. हमारा पूछा गया, व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इज prepare balance sheet and write journal entries. This could be your main answer. Whatever the things we are doing is a working note other than these two. Whatever the things we will do other than these two will become your working note and these two will become your main answer. Start karenge. Agar examiner ko lagta ki is bar paper bahut lamba dena hai, matlab bahut bada dena hai, with easy dena hai aur lamba dena hai. कुछ होता है हार्ड देना है और लंबा देना है, वो डिफिकल्ट है, वो दैट इज डिफरेंट, बट दिस इज इजी प्रॉब्लम विद लेस एडजस्टमेंट्स, बट बहुत लेंथी प्रॉब्लम. क्यों, क्योंकि हमको बैलेंस शीट ऐसे ही थोड़ी प्रिपेयर कर सकता है. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हर चीज चाहिए आपको,
पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर सारे मिला के आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, और वो सारे जो भी बनाया आपने उसका जर्नल एंट्रीज भी लिखना पड़ता है, ठीक है। The first step what you will do is prepare a revaluation account so that we will distribute this revaluation to the concerned partners. Okay? So first step what we will do, we will prepare a revaluation account. So revaluation account कैसे prepare करता है? Right side में क्या होता? Assets increase. If there is any increase in the assets, so if there is any increase in the assets, so it will be treated as an income. If there is any decrease in the assets, so it will be treated into, it will be debited to the revaluation account. So if this is decrease. And next thing, if there is any increase in the liability. If it is increased, so it will be a loss to the company. So that is your evaluation mein left side dikhata hai, debit side. And if there is any decrease in the liability, so what we will do? We will credit the revaluation account. ठीक है? If any profit or loss comes, so यहाँ पे इस side में क्या होगा? Profit होगा, loss होगा? Loss. इस साइड में यूजुअली लॉस होता है, बिकॉज़ इफ डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस, देन इट विल बी अ लॉस, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू हूम? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज़ अभी जो आदमी आ रहा था वो एडमिट कर रहा था, अभी अपना फर्म है, ये अपना फर्म है, यहाँ पे वो आदमी आके एडमिट हो रहे, उनको पता नहीं है कि ये फर्नीचर का वैल्यू कितना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवैल्यू करके उसका बैलेंस शीट फेयर वैल्यू में लेके आ रहे हैं, ठीक है. अगर राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है, क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट. सो हियर वी विल प्रिपेयर आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्ट वन, फर्स्ट थिंग इज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आ जाएगी? ओनली असेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या आ जाएगी यहां पे? सो फर्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग्स. लैंड एंड बिल्डिंग्स का क्या हो गया? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. फॉर हाउ मच? बाय सिक्स. लैंड एंड बिल्डिंग्स हाउ मच? 6,000, राइट. नेक्स्ट फर्नीचर. फर्नीचर इंक्रीज और डिक्रीज? 12,000 हो गया ना, फर्नीचर 15,000 से डिक्रीज हो गया. So two furniture, how much? 3,000. Next stock 16,000 ban gaya 20,000 se. So two stock, how much? 4,000. Next debtors. Debtors kitna ho gaya? Debtors decrease. Okay. So two debtors, how much? 500. ठीक है. और कुछ है assets और liabilities? कुछ है. और इसमें और क्या दिखाया? bills receivable में तो कुछ दिया ही नहीं, तो वो वैसे ही जैसे वैसे ही रख देते हैं. वो cash and bank को तो हम यहाँ पे नहीं लेते, revaluation नहीं करते cash and bank. So this is my revaluation account. अच्छा, और एक है creditors है ना. So by creditors, because creditors were decreased, how much amount? 300 जो profit आया था ना, वो 300 हम लेना पड़ेगा, ठीक है. So कितना लाया अभी creditors? Creditors
how much? 300. So what could be my profit or loss? Profit होगा या loss होगा? क्या हुआ? So यहाँ पे 7500 बनेगी, यहाँ पे 6300. So what happened? I made a loss of 1200 rupees. So this 1200 rupees will be distributed by किसके? Old partners in their old ratio. So by कौन कौन है पार्टनर का नाम क्या है? एक है ब्रिक सैंड एंड सीमेंट. ये थोड़ा तो ब्रिक सैंड एंड सीमेंट हाउ मच अमाउंट? 1200. 1200 को हमने कैसे बांटेंगे? 3:2:1. So 3:2:1 कितना आ जाएगा? ब्रिक को, ब्रिक को कितना आएगा? 1200 इनटू 3/6 कितना आ गया? 600. और यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, तो टोटल 7500. हमारा क्या बन गया अभी? हमी अभी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को अभी क्या करना है? तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे है ना, ये जो दिया है ना अभी, दिस वाज माय प्रॉब्लम सॉल्व. जो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमको अभी करना पड़ेगा. ठीक है, जो मेरा लॉस हो गया वो किस पे जाएगा? वो पार्टनर्स का डेबिट अकाउंट में जाएगा. ठीक है, सो लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. क्या प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. सो प्रिपेयर करेंगे अभी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. सर बोलिए. क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दिया है, तो सब निकलना पड़ेगा क्या? हाँ, बैलेंस शीट के लिए तो. हाँ, बैलेंस शीट के लिए तो अभी अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो उसका बैलेंस कैसे आ जाएगी? जैसे देखो अभी बैलेंस शीट में क्या क्या दिया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे. सो जर्नल से डायरेक्ट बैलेंस शीट बना सकते हैं, मतलब बुक में जैसे दिया है? बुक्स में तो ऐसे डायरेक्टली किया था, लेकिन वैसे करने से तो आपको फटाफट नहीं कर सकते ना, हर चीज को प्रॉपरली नहीं आती है. क्या अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया आपने, तो उसका स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हो. मान लो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स को स्टेटमेंट वाइज भी बना सकते हो, जैसे आपको बुक्स में दिया था अब वैसे भी बना सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है ना, आपको जनरल रिजर्व्स को कैसे बांटना है? अगर अकाउंट जैसे बनाएंगे तो आसान हो जाएगी आपके लिए. ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लगा तो ये कर लो, अगर वो अच्छा लगा तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ओके सर. वी हैव टू ऑप्शंस फॉर यू ओपन, सो अगर कौन सा अच्छा लगेगा तो वो ले लीजिए. ठीक है, सो मान लो कि मेरे पास चार है ना, 1, 2, 3 और 4. सो ये आपका कैपिटल अकाउंट बनेगी, दिस इज मिडिल. ठीक है, सो जब भी आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, सो ऐसे देख लीजिए. सो दिस कुड बी योर फॉर्मेट, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बताया ना, इसीलिए मैंने एक अकाउंट बना के देखा दिखा रहा हूं. ठीक है, दिस कुड बी योर कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट. ठीक है, फर्स्ट हियर इट विल कम्स पर्टिकुलर्स. अगर मान लो आपके पास एक पार्ट, दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है या चार पार्टनर है, तो मान लो ये बी सी एंड डी, तो चार पार्टनर्स, तो मैंने सारे नहीं लिख रहा हूं उनका नाम. मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? ओनली एबीसीडी लिखा था. तो कैपिटल अकाउंट जब भी बनाता है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर, कैपिटल में जो भी क्रेडिट साइड आता होगा वो कैपिटल को इनकम जैसे है. कैपिटल अकाउंट इज हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज, सो दैट इज द, जो भी आपने क्रेडिट साइड लिख रहा है मतलब उनको आ रहा है, उनके लिए वो इनकम है. जो भी डेबिट साइड लिख रहा है वो उनके लिए एक्सपेंस है, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है,
यहां पे भी पर्टिकुलर्स आ जाएगी, ठीक है। ऑलवेज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आपको पता ही है डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में क्या करना है बाय, डेबिट साइड में क्या करना है टू, ये तो पता ही है। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, कैपिटल अकाउंट स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां से आता है, तो जो भी बैलेंस शीट में दिया है ना, वो जो भी बैलेंस शीट में दिया होगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आती है। ऑलवेज इट शुड बी क्लोज्ड विद टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फिर से आते हैं, जब भी आप कैपिटल अकाउंट्स का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाता है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इट स्टार्ट्स विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड एंड्स विद टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन इज योर बैलेंसिंग फिगर, अदरवाइज ये क्लोजिंग फिगर होता है। ये क्लोजिंग फिगर को अपने बैलेंस शीट में लेके जाता है, कौन सी बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस रहती है ना, टू बैलेंस कैरीड डाउन, इस फिगर को आपने बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, ठीक है। सो अभी पार्टनर अकाउंट थोड़ा सा हल्का सा छोटा अकाउंट है, इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नाउ सो व्हाट इज योर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बताइए फटाफट, 30, 20, 10 राइट। सो 30,000, 20,000 एंड 10,000, ये क्या है, मेरा ओपनिंग बैलेंस है। और इसके बाद और कौन लाया था, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अभी बाय कैश अकाउंट कौन लाया, ये कैश कौन लाया, उन्होंने जो नया आदमी आया था ना, उन्होंने कितना कैपिटल लेके आया, 15,000 लेके आया था। बाय कैश क्यों लिखा, तो उन्होंने कैश लेके आया था, वो कैश लेके आके उनको कैपिटल अकाउंट एंट्री क्या बनेगी, बैंक और कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट। सो ये आसान हो गया ना आपके लिए, तो अकाउंट बनाने में आपको एंट्रीज लिखने में बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। सो लेट अस सी, सो अभी उन्होंने कैश लेके आया था, फर्स्ट एंट्री इज योर, उन्होंने कैश जो भी लेके आया उसको अभी क्रेडिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं। नेक्स्ट, तो सेकंड स्टेप इज आपको जो रिजर्व्स दिया था वो रिजर्व्स को हमने बांट लेंगे, किसको किसको देंगे पहले, ओल्ड पार्टनर्स को। सो बाय रिजर्व्स, व्हाट इज माय रिजर्व्स बैलेंस, व्हाट इज माय रिजर्व्स बैलेंस, माय रिजर्व्स बैलेंस इज 29,800। कौन सी रेशियो में देना है, 3:2:1, फटाफट बताइए कितना आ जाएगी इनके लिए रिजर्व्स, एक के लिए आता 14,900 और इसके बाद कितना 9,933, तो इसके बाद 4,967 रिजर्व भी दे दिया। फिर इसके बाद एक आदमी आ रहा था, उन्होंने क्या किया, उससे पहले हम रिवैल्यूएशन पे जाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किया है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो गया, आपको आपको लॉस आया था, तो किसको दिया है वो लॉस, ओल्ड पार्टनर्स को दिया था, वो ओल्ड पार्टनर्स को जो भी लॉस आया था ना, वो लॉस को अभी यहाँ पे रिकवर करेंगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो उनको एड करता था यहाँ पे, लेकिन वो लॉस आ गया तो क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच कितना आया था उनको, 600 एक को दिया और एक को 400 दिया और एक को 200 दिया, इनको तो कुछ नहीं दिया बिकॉज ही इज नॉट देयर एट दैट टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद और इन्होंने क्या लाया था, इन्होंने गुडविल लाया था, कौन लाया गुडविल, कौन गुडविल लाया था, तो डी ने गुडविल लाया था। गुडविल लाने के बाद वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मेजरली उन्होंने बोला 1/6 शेयर दिया था, लेकिन उसमें न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए हम जो भी ओल्ड रेशियो है ना उसी को हमने अज्यूम कर रहे हैं
कि दिस वॉज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कभी कभी हमने अज्यूम कर सकते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू माई ओल्ड रेशियो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया था, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक आधा घंटा लगेगा, ठीक है, उसमें कौन कितना सैक्रिफाइस किया वो भी बताए नहीं, एस और नॉट. अगर उन्होंने बताया कि इतना सैक्रिफाइस किया उतना सैक्रिफाइस किया हम कर सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो वी आर अज्यूमिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो. सो इसको अभी पहले हम गुडविल जो भी लाता है ना, जो भी गुडविल लाया उसको ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या होगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा. सो बाय गुडविल हाउ मच, 12,000 लाया था, सो 12,000 को हमने 3:2:1 में बांट लेते हैं. सो 12,000 इंटू 3/6, 6,000, 4,000 एंड 2,000. वन मोर थिंग ही हैज टोल्ड, जो भी गुडविल लाया था उसमें से हाफ ऑफ द गुडविल विल बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. सो अभी इनको कैश दे देते हैं, सो टू कैश हाउ मच, सो इसमें आधा क्या हो गया 3,000, इसमें क्या आधा क्या हो गया 2,000 and 1,000, ठीक है. एंड वन मोर थिंग ही हैज टोल्ड, लास्ट में बोला था एक कि जो भी रिजर्व्स है उसमें आधा पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर लिया, तो कितना है इसमें जो रिजर्व्स है ना, यहाँ पे जो रिजर्व्स आया था ना उनके लिए ये 9,999, ठीक है. इस रिजर्व्स में से हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स. सो इसीलिए विथड्रॉ करने से क्या होता है, आपका डेबिट साइड आ जाता है. तो फिर से टू कैश अकाउंट, उसमें आधा कितना भाई बताइए, तो 7,450 और इसके बाद 4,967 और इसके बाद 2,483, ठीक है. और मोस्टली मेरा कैपिटल अकाउंट तो बन गया है, अभी जो भी बैलेंस आती है ना वो मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है. अभी मेरा जो भी बैलेंस आता है वो मेरा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी. तो अभी ऐड कर लो कितना हो गया, फटाफट बताइए, 30 + 6 = 36 + 14, तो 50,900, राइट. सो 20 + 4 = 24 + 9, सो 33,933. इसके बाद 10 + 2 = 12 + 4 = 16,967 और ये तो 15,000 है. यहाँ पे बैलेंस वही पे ले लीजिए, तो बैलेंस कैरी डाउन में कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं. तो 50,900 और 33,933 और इसके बाद 16,967 और नेक्स्ट 15,000. सो यहां पे माइनस कर लो कितना आ गया बैलेंस, 39,850, फिर इसके बाद 26,566 और इसके बाद 13,284 और 15,000. ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है ना, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, दिस विल बी टेकन इनटू योर बैलेंस शीट, दिस विल बी टेकन इनटू योर बैलेंस शीट. ये वाला सही है कि नहीं है, ये वाला अच्छा लगा. कैपिटल अकाउंट जब भी बनाते हैं ना आपको, इसमें अभी आपको एंट्रीज निकालना है. सो कैसे एंट्रीज आ जाएगी, यहां पे एक एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट्स, कितना आ गया, कैपिटल अकाउंट कौन सा है इसका कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री बन गया. नेक्स्ट यहाँ पे ये आ जाएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स टू यूर कैपिटल अकाउंट, कितना बन गया, ये तीन कैपिटल अकाउंट देना है, दे के उसको
रिजर्व के साथ एडजस्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी गुडविल का, गुडविल अकाउंट डेट आर टू कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्या बनेगी, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी कैश का, कौन, क्योंकि उनको कैश उन्होंने विथड्रॉ किया था ऑन व्हाट अमाउंट, इसके ऊपर है ना, तो गुडविल को उन्होंने विथड्रॉ किया था कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एंट्री बनेगी यहाँ पे कैसे, कैपिटल अकाउंट्स डेट आर टू कैश अकाउंट, फिर इसके बाद जो भी आता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इजी है या पहले वाला इजी है, जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में है उसमें आप एंट्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एनी एंट्री फ्रॉम योर स्टेटमेंट, सो दैट इज मैंने अकाउंट बनाया, सो आराम से अभी क्या कर सकते हैं, यू कैन ईजिली फॉर्म यूर एंट्रीज, जनरल एंट्रीज जो भी होता है ना अभी इसमें से लिख लीजिए प्रीवियस पेज में, अभी मान लो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दिया, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से अभी चार पांच एंट्री बनती है, वो कैसे बन जाती है देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेट आर टू, और यहाँ भी ना हाँ ये दोनों मिला के करना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेट आर 6000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेट आर 300, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6300, ये एक एंट्री बन गया। नेक्स्ट एंट्री विल बिकम ये सारे क्या, लाइबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू फर्नीचर 3000, टू स्टॉक 4000, टू डेटास, टू प्रोविजन फॉर डेटास अदरवाइज, क्योंकि डेटास में तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, अगर प्रोविजन फॉर डेटार भी ले लो या जो भी ले लो ठीक है, बट 500 अमाउंट तो आना चाहिए, टू डेटास 500, पूरा मिला के 7500 विल बी योर बैलेंस। थर्ड एंट्री क्या हो सकता है, थर्ड एंट्री विल बिकम दिस वन, जो भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस को आप क्या किया था, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स, उसको बनेगी अभी ये थर्ड एंट्री क्या बनेगी, ब्रिक अकाउंट डेट आर 600, सैंड अकाउंट डेट आर 400, सीमेंट अकाउंट डेट आर 200, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना एंट्रीज बन गया अभी, जनरल एंट्रीज आसान हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड टू अकाउंट्स ओनली, वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट, उन दोनों अकाउंट से आपका एंट्रीज सारे खत्म हो जाती है ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एंट्रीज नाउ, सो लिखना है या आ गया, लिखने का जरूरत है क्या, अभी ऑलरेडी बुक में तो है ही वही एंट्रीज, वो जैसे आया वैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे, तो लिखना है, लिखने का जरूरत नहीं है ना, नो सर, नो ना। सो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, आप लिख सकते हैं वो एंट्रीज कैसे, फिर से आते हैं, फर्स्ट से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी असेट्स है और जो भी लाइबिलिटीज है, वो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने एडजस्ट किया था, वो करने के बाद यहाँ पे मेरे तीन एंट्री मिला, क्या क्या एंट्री मिला, फर्स्ट एंट्री बिकम्स ये वाला, जो भी इंक्रीज इन द असेट्स और लाइबिलिटीज वो लेके टू रिवैल्यूएशन कर दिया, एक एंट्री ये बन गया, और एक एंट्री ऐसे बन गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू फर्नीचर टू स्टॉक टू डेटास, ये एक बन गया। थर्ड एंट्री विल बिकम मेरा बैलेंस शीट का, सॉरी ये मेरा पार्टनर्स को जो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थर्ड एंट्री बन गया ठीक है। यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट से मेरा थ्री एंट्रीज बन गया, वो खत्म। फिर नेक्स्ट मैंने यहां पे आया, मेरे नेक्स्ट यहां पे आया कैपिटल अकाउंट्स के पास, कैपिटल अकाउंट्स के पास आने के बाद मुझे यहां पे एक एंट्री मिला कि कैश अकाउंट का, क्योंकि उन्होंने कैश लाया था, कौन लाया, डी, मतलब वो जो लाइम है ना, वो लाइम वाज एडमिटिंग एज ए पार्टनर, सो दैट इज व्हाई ही ब्रॉट सम कैश इनटू बिजनेस, तो कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट उन्होंने 15000 लाया था, वो एंट्री हमने किया। और सेकंड एंट्री हमने किया वो जो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिजर्व्स अकाउंट डेटा टू द ओल्ड पार्टनर्स, और उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, गुडविल अकाउंट डेटा टू द ओल्ड पार्टनर्स, और उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन का वो जो प्रॉफिट्स ऑलरेडी, ये एंट्री तो खत्म हो गया वहां पे, वो जो रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी लिखा था, एंड नेक्स्ट द बैलेंस विथड्रॉन बाय कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स ऑफ रिजर्व्स, वो एंट्री बनेगी क्या, कैपिटल अकाउंट डेटा टू कैश 300, 2000, 1000,
एंड ये जो गुडविल है, गुडविल में से निकाला ये वाला, और इसका रिजर्व से जो भी निकाला, टू कैश 7450, 4967, 2483, और इसके बाद जो भी बैलेंस आता वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने बैलेंस शीट में लेके जाता है। उसमें और कुछ एंट्रीज छूट गया क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर एंट्रीज वर केम हियर। कुछ छूटा तो नहीं ना? ऑलमोस्ट आया था, यस, एंट्रीज ऑलमोस्ट आया। दिस विल बिकम इजी फॉर यू व्हेन यू प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं? जो भी बैलेंसेस आते हैं ना, पहले वो बैलेंस ब्रॉड डाउन से स्टार्ट हो जाती है, जो भी उनको प्लस होगा वो क्रेडिट साइड में आता है, जो भी माइनस होगा वो डेबिट साइड में आता है, तो ड्रॉइंग्स को भी आपने माइनस करता है। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आपका नॉलेज चेक करूंगा अभी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, फटाफट बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी गुड, क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिटेड, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स, डेबिटेड, वेरी गुड। सो अभी देख लीजिए, आपको समझ में आया कि कैपिटल अकाउंट का जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है आराम से कर सकते हो, जो भी इंक्रीज्ड बैलेंस होता है वो क्रेडिट कर सकते हो, जो भी डिक्रीज होता है उनको डेबिट कर सकते हो। चलो लास्ट है सैलरी पेएबल टू कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर, सैलरी पेड टू पार्टनर, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, ऑब्वियसली क्रेडिट, वेरी गुड। चंदना को एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, लेकिन कैसे देना, बहुत सारे चॉकलेट बाकी है मेरे पास, तो चंदना ने बहुत फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा सो यहाँ पे आपका सारे एंट्रीज मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट वो पूछा गया कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो हमने बैलेंस शीट बनाएंगे, जो भी फिगर्स है वो अभी बैलेंस शीट को, अभी जो भी फिगर्स को अभी प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल जस्ट पोस्टिंग, जो भी प्रॉब्लम ने दिया वो लाके यहाँ पे रख देते, ठीक है। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐड है ना, टी फॉर्मेट में आती है, सॉरी, तो राइट साइड में सारे एसेट्स, लेफ्ट साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। सो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ कौन, कुछ दिया क्या, इसका नाम दिया क्या? बैलेंस शीट ऑफ कुछ नहीं है, नाम नहीं है, बैलेंस शीट एज ऑन कब का, सो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट पूछा है ना, 1/1/2013 का पूछा था, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, सो राइट साइड एसेट्स आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग्स हाउ मच, लैंड एंड बिल्डिंग्स 56,000 दिया है ना, सो 50,000 बिकेम 56,000, रिवैल्यूएशन करने के बाद जो भी फिगर्स आते हैं वही है, तो 56,000 ही है। फिर इसके बाद क्या दिया, फर्नीचर, फर्नीचर कितना बन गया, 12,000 बन गया। फिर इसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना बन गया, सो 20,000 था पहले, अभी ये 16,000 बन गया। फिर इसके बाद डेटर्स, तो पहले 7,500 था, अभी 7,000 बन गया। नेक्स्ट कैश इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में कुछ चेंज नहीं है, है कि नहीं, बिल्स रिसीवेबल में कुछ चेंज नहीं है, ये बिकेम 5,000, बट कैश एंड बैंक का अभी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि बिजनेस छोटा है, कैश एंड बैंक में बहुत सारे पैसे आ गया, बहुत सारे निकाल दिया, क्या क्या किया, पहले कुछ बैलेंस था उसमें से कुछ गुडविल लेके आया इन्होंने, फिर कुछ कैपिटल लेके आया था, फिर इसके बाद कुछ उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, कौन कौन विथड्रॉ किया, ओल्ड पार्टनर्स, एक रिजर्व को विथड्रॉ किया था और एक गुडविल को भी विथड्रॉ किया था, उसको भी हमने देखना पड़ता है, वो सारे एडजस्टमेंट्स करके अभी जो भी बैलेंस बच जाता है
उस बैलेंस को अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक को यहाँ पे लाना चाहिए था, ठीक है। तो कैश एंड बैंक यहाँ पे लाके वो जो वहां पे बैलेंस शीट फिगर बनती है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट वो दोनों मिला के कैपिटल प्लस बैलेंसेस असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स कितना आया था यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स में जो बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरी डाउन लिया था वो वाला लेना है, ए बी सी डी पूरा मिला के कितना हो गया 94,700, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में उन्होंने दिया कि 6,200 था मेरे पास, लेकिन एक क्रेडिटर 2,300 का उन्होंने 2,000 करके सेटल किया था, मतलब वी हैव पेड 2,300 का लायबिलिटी खत्म हो गया। तो 6,200 माइनस 2,300 कितना हो गया 3,900। फिर इसके बाद क्या है, और कुछ है, बिल्स पेएबल है। तो बिल्स पेएबल में कुछ एंट्रीज कुछ भी नहीं है, तो अभी बिल्स पेएबल का 4,000। अगर आपको चाहिए तो मैं कैश एंड बैंक का डायरेक्टली बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं कि अगर मान लो यहां पे दोनों टोटल खराब, आपको बैलेंस शीट टैली करवाना है, बैलेंस शीट टैली करवाना है। अगर मान लो कभी कभी बैंक अकाउंट कैश अकाउंट का हमारा एक एंट्री मिस हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी आपको बैलेंस शीट टैली करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो इसका 1,02,600, यहाँ पे भी 1,02,600 बना दीजिए। ये बनाने का जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आपको कैश एंड बैंक में टैली होना चाहिए, मतलब 1,02,600 से ये सारे निकाल दीजिए तो कितना बैलेंस बचेगी, 6,600 बचेगी, है ना। ये 6,600 अभी बैंक अकाउंट में जाके हमारा बैंक अकाउंट वो टैली होगा कि नहीं होगा वो देखना है। अभी हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, सो इसका कैसे बनाएंगे, इसका भी स्टेटमेंट बनाएंगे या अकाउंट बनाएंगे। इसका भी अकाउंट ही बना लेते हैं, क्यों स्टेटमेंट क्यों बना रहे, तो इसका भी एक अकाउंट बना लेते हैं। सो नाउ यहां पे ध्यान से सुनिएगा, तो पहले मेरा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग कैश एंड बैंक अकाउंट, इट इज एन असेट, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 2,500 ना, 2,500। फिर इसके बाद कौन, बी कितना लाया, हाउ मच ही ब्रॉट, एक 12,000 लाया था और इसके बाद एक 15,000 लाया, सो दोनों मिला के कितना हो गया 2C कैपिटल अकाउंट, सॉरी सी नहीं है ये डी ना, मतलब लाइन। सो कितना लाया था 27,000 लाया था। फिर इसके बाद हमने कुछ पे किया था, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, कौन सी पे किया था, रिजर्व्स पे किया था, और इसके बाद रिजर्व्स के बाद गुडविल भी पे किया था, सो वो दोनों मिला के कितना हो गया, तो बाय पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स पर रिजर्व्स बाय ओल्ड पार्टनर्स पर गुडविल। गुडविल का तो मुझे याद है 3,000 + 2,000 + 1,000 6,000, और ओल्ड पार्टनर्स को रिजर्व से कितना निकाला, रिजर्व से 14,900। नेक्स्ट और एक एंट्री है, एक क्रेडिटर्स को पे किया था, कितना पे किया, वी हैवंट पेड 2,300, वी पेड ओनली 2,000, ठीक है। सो बाय क्रेडिटर्स How much? 2,000। अभी जो भी बैलेंस बचेगी
वो ही कैरी डाउन होगा, ठीक है। तो अभी यहां पे बचेगा, सो 29,500 ये सारे हटा दीजिए, कितना होगा 6,600 होना चाहिए, बिकॉज बैलेंस शीट में ऑलरेडी हमारे बैलेंसिंग फिगर खड़ा है, कितना अमाउंट 6,600 था, तो ये 6,600 बनेगा। यहाँ पे टू बैलेंस बैक डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, तो टोटली आपको 29,500 बन गया, ठीक है। ऑलवेज योर कैश एंड बैंक अकाउंट शुड बी टैलीड, if it is not the case your bank account should be your balance sheet should be tallied. yahan pe kya hota hai, aapke balance sheet ko tally karna hai, agar dissolution ya usme rehte hai na, usme cash and bank account ko tally karna padta hai, kyunki wahan pe distribute karna padta hai aur kuch bahut sare cheeze hai wahan pe, to wahan pe kya hai na, aapko cash and bank account ko tally karna padta hai, yahan pe kya karna padta hai aap logon ko, yahan pe balance sheet tally karna padta hai, ठीक है। ये जो 6,600 वो हमने वहां पे लेके जाएंगे, कहां पे, यहां पे बैलेंस शीट में लेके आके यहां पे दिखाएंगे, सो दैट माय बैलेंस शीट विल बी टैली, ठीक है, डन। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम। इसमें करने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत वेरी लेस एडजस्टमेंट, वेरी इजी प्रॉब्लम बट वेरी लेंथी प्रॉब्लम। बट आपको क्या याद होना चाहिए, हमेशा जो भी प्रॉब्लम देखते हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं आपको याद होना चाहिए, उतना ही। ऑब्वियसली अभी तो आप लोगों के लिए ऐसे है सिचुएशन की ऑनलाइन एग्जाम चल रहा था, मोस्टली इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देगा, वो देगा फिर भी मल्टीपल चॉइस जैसे पूछेगा वो, बट अगर वो फिजिकल एग्जाम करता और कुछ दूसरे तरीके से करता, उसको लंबा प्रोसेस दिखाने के लिए, तो देन दिस प्रॉब्लम माइट कम। समझ में आया कि नहीं आया, इजी लगा या हार्ड लगा? इजी लगा, इजी तो इजी है, प्रोसीजर आना चाहिए आपको, सिंपल इजी है, ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी नहीं है। सिंपल प्रोसीजर क्या है, आपको फर्स्ट वन इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है, और कौन कौन क्या लेके आ रहे हैं उसका क्या करना है आपको। पहले जब भी नया पार्टनर एडमिट हो जाता, उसके अमाउंट को हमने कैश अकाउंट करके इसमें जमा कर देते हैं, जो भी गुडविल होता है ना, वो गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स को देता है इन दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसमें जो भी बैलेंस बच जाता है, उस बैलेंस को हमने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देता है। फिर इसके बाद जो एंट्रीज करना है वो एंट्रीज करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स बना के उस कैपिटल अकाउंट्स को हमने बैलेंस शीट में लेके आते हैं, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर, हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करके उसको टैली करेंगे। उसमें छोटा सा एडजस्टमेंट रहती है कैश एंड बैंक का, तो वो कैश एंड बैंक का हमेशा आपने याद रखना है। अगर कुछ पे किया, अगर कुछ आया, अगर मान लो इसमें से फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर सेल किया कुछ अमाउंट के लिए, तो वो भी कैश एंड बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे आपने क्रेडिटर्स को पे किया था फॉर 2000 अमाउंट, सो यू शुड नॉट टेक 2300, यू हैव टू टेक ओनली द पेड अमाउंट, ठीक है। तो अंडरस्टूड ना? वेरी गुड सर। तो बोलिए सर, यहाँ पे जर्नल एंट्री वो क्रेडिटर्स का 300 रुपीस डिस्काउंट दिखाया है ना, तो ये एंट्री नहीं करने से भी होगा क्या? क्रेडिटर्स का दिखाना है, क्योंकि देखो अभी क्या सिचुएशन है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर मैंने क्रेडिटर्स को मैंने नेक्स्ट बैलेंस शीट में लेके जाना है नेक्स्ट पीरियड के लिए, अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में मैंने कितना दिखाया, ओनली 3900 दिखाया था, और मेरा कैश एंड बैंक में कितना दिख रहा था, कैश एंड बैंक में क्रेडिटर्स के जगह में ओनली 2000 दिख रहा था। सो 2000 प्लस 3900 कितना हो गया, 5900 हो गया। But where is the 300 gone? So, us 300 is my profit which I got from a creditor. Because मैंने creditor को pay नहीं किया था, वो मेरा income बन गया या profit बन गया. So that will be always recorded in your revaluation account. ठीक है? So you have to record.
अगर मान लो अपने कुछ क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना ही छूट गया, जैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में किया था ना, और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी किया था, फिर भी आपको रिकॉर्ड यहाँ पे करना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर से उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं जब आप रिजोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जाते हैं ना, वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में मैं रिमाइंड करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, अगर आप कुछ आइटम छूट जाता है उसको कैसे एंट्री करेंगे वो वहां पे दिखाता हूँ, बट यू हैव टू टेक दिस रिवैल्यूएशन फिगर्स, ठीक है, यू शुड नॉट मिस आउट, ठीक है। नेक्स्ट, सो रिमेनिंग विल, हाँ सर, ये वाला जो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए 1/6 वो वाला करने से भी सेम आंसर ही निकलेगा। वो सेम आ रहा है? नहीं, हमने नहीं किया सर, आपको पूछा है। हाँ, हम नहीं किया एक्चुअली, उसमें प्रॉब्लम ने नहीं लिया, प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है वो नहीं बताया। यूजुअली क्या बोलते हैं ना, इसमें से सैक्रिफाइस इतना कर लिया, तो ये करने के बाद मान लो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो 3:2:1 ना, इसमें से 1/6 निकाला था, लेकिन यहाँ पे देखो इसका खुद का भी ये 1/6 है, तो 1/6 बन जाएगी, तो ऑलमोस्ट इक्वल बन जाएगी, लेकिन अभी आपको नया रेशियो बनाना है। मान लो अभी नया रेशियो बनाना है 3/6 × 5/6 करते हैं ना, तो इस टू, तो 2/6 × 5/6 और 1/6 × 5/6 ये वाला करना पड़ता है। ये वाला करने से आपको इंटू 1/6 × 6/6 ये वाला करना पड़ता है, ठीक है। ये वाला करने से थोड़ा सा डिफरेंट रेशियो आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम में ऐसे नहीं दिया, तो मान लो 15:10:5:6 बन गया। So this could be my new ratio. तो अगर new ratio होगा तो obviously इन तीनों का same ही लग रहा है ना, obviously इन तीनों का same ही लग रहा है। So देखो यहाँ पे 15:10:5 तो क्या बन गया, 3:2:2 बनी तो बना, इसलिए उन्होंने दिया नहीं होगा। तो problem में जैसे दिया सर, कभी कभी क्या होता है ना, हमको assumptions भी लेने पड़ता है, ठीक है। So you should not always calculate this one ratio, ठीक है। अगर मान लो इसमें से ये निकालो, तो 15:10:5:6 बन गया, तो 10, 15, 20, 20+30, 36 हो गया ना यहाँ पे। सो 3/6 − 15/36 यहाँ पे 36 बनेगा, यहाँ पे 36 बनने के बाद, तो 18 − 15 फर्स्ट वन का। नेक्स्ट 2/6 − कितना 10/36 तो 36 मतलब 12 − 10/36 ऑब्वियसली सेम रेशियो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/6 − 5/36 तो 36 ये बन गया, तो 6 − 1 तो सेम रेशियो आ रहे हैं, 3/36, 2/36, 1/36, 3:2:1 वही रेशियो बन गया, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली दिया होगा। अब पूरा कैलकुलेट करके वही रेशियो निकालेंगे, है कि नहीं? यस सर। समझ में आया नया रेशियो कैसे आया? यस आया है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया, तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली दिया 3:2:1, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही बन रहा है और उसका ओल्ड रेशियो भी वही है, ठीक है। ओके सर, क्लोज करेंगे आज, तो बाकी हम कल देख लेते हैं। तो 9th प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर लीजिए, और मोस्टली प्रॉब्लम तो सेम ही लग रहे हैं मुझे, मैंने यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ उल्टा फंडा लग गया तो मैं वो प्रॉब्लम चूज कर लेता हूँ, 1 or 2 प्रॉब्लम्स बोलूंगा, फिर इसके बाद रिटायरमेंट पे जाते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर।